वापस टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, टेंशन लेने का नहीं। ठीक है, मेरे हिसाब से आज के दोनों वीडियो आपके लिए अच्छे रहेंगे, कल की वीडियो इससे भी और बेहतर लेके आ रहा हूँ मैं आपके बीच में। ऐसे डेली बेस पे आपको बहुत सारी चीजें लेके आने वाला हूँ। 100 कुछ भी नहीं हुए, 11 लोगों की हुए, इसलिए ये वीडियो शायद किसी को पसंद आया ऐसा लग रहा है मेरे को। अरे अभी अभी फास्ट हो गए। ओके 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 50। ठीक है चलो, सबको अच्छा लगा दोनों वीडियो, इस रिस्पांस की सबसे सबसे अच्छा लग रहा है। तो आज के डेट में अभी रोनी सर 2 मिनट में आ रहे, हम अभी अली सर का छोटा सा मैसेज है वो तब तक सुनते मीटिंग को स्टार्ट कर देते। कुछ लोग तो मेरे हिसाब से बहुत सर, आज का वीडियो बहुत धमाकेदार हुआ सर, यानी कि ओके बोलो बोलो। ओके आज का वीडियो बहुत धमाकेदार हुआ सर, एकदम धमाकेदार। आपने सबको है ना जो सोए थे उनको जगा दिया, जिनको कुछ भी मालूम नहीं था उनको आज पूरा यानी कि साक्षात्कार हो गया। मिस्टर राजेंद्र उपाध्याय सर, हम सब पूरी इंडियन कम्युनिटी आपको मानते हैं और सच में सब इंडियन कम्युनिटी आपको फॉलो करते हैं। आप जैसा रहते हो जैसा करते हो, आपने बोला कि स्वैप करो स्वैपिंग करेंगे, आपने जो बोला वो करेंगे। तो सच में सर आप सबके भगवान हो, आप अलेक्स सर को भगवान मानते हैं लेकिन इंडियन कम्युनिटी मिस्टर राजेंद्र उपाध्याय को भगवान मानती है, ये सच में सच है। बहुत अच्छा सर, ओके कीप इट अप, लेट्स अप। ओके अलेक्स सर का जो मैसेज है वो अपने को आगे लेके जाना है, सब लोगों को अपने को साथ में लेके चलना है। Dear Rajendra, I know you are now a black diamond. I'm so happy. I'm so proud about you, about your success. It's just incredible. It was a long, long fight, but you won. Thank you. Here all, sorry, क्योंकि मिस्टर राजेंद्र उपाध्याय सर इनका काम बहुत बढ़ गया है और सब जन न्यू न्यू एड हो रहे, तो अभी तो एडजस्ट कीजिए क्योंकि ऑलरेडी ऑल कंपनी स्टार्ट हो रही है। और सर ने हालांकि आर यू वंडर कंपनी स्टार्ट की है तो उसका बहुत जोरों शोरों से काम चालू है, इसलिए मुझे आर यू वंडर का काम सौंपा है। तो वो काम इतना बड़ा होने वाला है, इस बार 4 मार्च को अटलांटिस पार्क होटल में जो कन्वेंशन है इतना बड़ा होने वाला है और आपको पैकेज और इतनी सारी सुविधा मिलने वाली है कि आप सब देख, सच में आर यू वंडर काम अभी से चालू है तो उसका काम मेरे से है, आप उसके ऊपर ध्यान दें। ओके Dear Rajendra, I know you are now a black diamond. I'm so happy. I'm so proud about you, about your success. It's just incredible. It was a long, long fight, but you won this fight shoulder on shoulder with me. I'm so happy. I'm so proud. And I wish you great success, platinum diamond, double, triple platinum diamond, all the ranks. And I just wish you great success and keep rocking, keep rocking. Ultima must fly and you all will be successful with Ultima too. So I am so proud. Thank you very much. तो सर का मैसेज आपने सब लोगों ने देखा है, सब लोगों ने सुना है, ये पुराना मैसेज था, मैं आप लोगों को खाली उसको वापस एक बार दिखाने का मतलब इतना ही है कि सर जो सबके लिए, ना कि हम मेरे लिए मेरा नाम लेके बात किया तो ऐसे नहीं कि मेरे लिए बात किया, जो मेरे पूरे कम्युनिटी के लिए बात किया ये समझना यहाँ पे, क्योंकि मेरी कम्युनिटी अगर मेरे साथ में नहीं थी तो मैं यहाँ पे नहीं पहुंच सकता था। तो ये मेरे को भी पता है, सर को भी पता है, तो सब लोगों को लिए मैं इतना ही बोलूंगा, सर को एक एक चीज के बारे में ख्याल रखते हैं अपनी कम्युनिटी की, हमारी सब की। और जो भी लोग अगर आज पैनिक में चल रहे हैं तो उनके लिए मैं इतना ही मैसेज देना चाह रहा हूँ मेरी तरफ से कि सर जैसे मेरे बारे में बात करें वैसा मैं भी आप लोगों के मन में जो भी है आपके लिए रखते हुए हम लोगों के साथ, आप लोगों के साथ मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, ना कि मैं अकेला आगे जाना चाहता हूँ।
तो जो भी कंपनी चेंजेस करके लेके आ रही है, जो भी चेंजेस करने वाली है, वो हमारे लिए, हमारे कम्युनिटी के लिए, आने वाले भविष्य के लिए बहुत बेहतर रहने वाली है। ये चीज को सब लोगों को समझ के लेना है, और इसीलिए मैं आपके सामने आके सब चीजें क्लियर कर रहा हूँ, ताकि एक दिन आने वाला समय जो आपने रहेगा, तो हम सबसे आगे और सबसे ऊपर रहने वाले, हम सब कम्युनिटी की बात करते हैं। अरे हमारा यहाँ पे जो भी आने वाला एक एक सिंगल छोटा छोटा बंदा जो भी रहेगा, जो भी अपने साथ जुड़ा है, छोटे से छोटा जो भी पैसा लगा के क्यों यहाँ पे आया हुआ, तो हर लोगों को ये प्लेटफॉर्म अपना आने वाले समय पैसा बना के देने वाला है। और यही ताकत के साथ अलेक्सर आगे बढ़ रहे पूरे कम्युनिटी के साथ। आज समझ सकते 140 कंट्री में ये पूरा प्लेटफॉर्म चल रहा है। 140 कंट्री को हम अगर अपनी कम्युनिटी के लिए या हमारे टीम के लिए अगर इतनी परेशान हो रहे या इतनी परेशान के हिसाब से हम काम करें, और अलेक्सर 140 कंट्री के लोगों के सामने खड़े और उनके साथ वो सबको आगे लेके जाना चाह रहे, तो ये चीज को समझना है। जैसे अगर बात करेंगे, मुझे कुछ लैंग्वेज नहीं आती तो भी मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आप लोगों को पता है सब चीजें हम कलर है। इसी तरह 140 कंट्री के लोग, 140 कंट्री के अलग अलग लैंग्वेज में लोग अपने अपने हिसाब से बातें करते हैं, फिर भी अलेक्सर सबके सामने, ऐसे नहीं कि अलेक्सर को सब 140 कंट्री की लैंग्वेज आती है, लेकिन फिर भी वो लोगों को सामने लोगों के सामने भी है और लोगों को साथ में लेके जा रहे हैं। ये सब चीज को अगर आप सब समझ के लेंगे तो ये प्लेटफॉर्म सबके लिए बना हुआ है, ना कि सिर्फ अलेक्सर के लिए, ना कि सिर्फ टॉप लीडर के लिए। तो ये पूरे जो भी पूरे वर्ल्ड की बात करेंगे, पूरे वर्ल्ड के लिए ये प्लेटफॉर्म बना हुआ है और उस पूरे वर्ल्ड के लिए ये काम कर रहा है। तो सब लोगों को मेरा इतना ही रिक्वेस्ट रहेगा, जो मैसेज के बारे में इतना देना चाहता हूँ, तो ये मैसेज ऐसा है कि अपना पूरा आने वाला जो समय है, आने वाला 2000 अगर बात करें, अभी चल रहा है अपना 2023 चल रहा है, आने वाला 2024 की बात करेंगे, 2025 की बात करेंगे, यहाँ पे 100% हम सब लोग, जो भी लोग इस सिस्टम के साथ जुटे रहेंगे, ये जो भी लोग इस सिस्टम के साथ अभी कंटिन्यू करेंगे, वो लोगों का हर सपना, जैसे अलेक्सर ने अभी जो मैसेज दिया था 2 दिन पहले, मैंने आपको दिखाया था, सर ने मीटिंग में भी कहा था, जो भी लोग अगर इस यहाँ पे सपना लेके आए, उनका 100% में सबका सपना पूरा करूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। ये क्लियर सर ने बताया, अलेक्सर खुद आपके सामने बताया, तो इस चीज को कभी भी डरना नहीं है। मैंने अगर ये जो भी चीज किया, ये सिस्टम के साथ अगर मैं जा रहा हूँ तो मेरा नुकसान होने वाला है या मेरे कुछ बहुत सारा प्रॉब्लम होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ जो भी लोग आपको बताते हैं, जैसा अगर मुझे अलेक्सर ने बताया तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जो अपने टॉप लीडर उनको बता रहा हूँ, तो वो अपने लोगों को बता रहे, सब एक दूसरे को सुनते हुए सिर्फ क्या करो, जैसा बोल रहे वैसे फॉलो करते चलो, बस मैं इतना ही बोलूंगा। आप रेट कितना कम हो रहा है, रेट कितना बढ़ रहा है, वो चीज को मत देखो, जो हर चीज की बात करेंगे, जो अपने को पैसा जनरेट करने वाला जो प्लेटफॉर्म है, पूरे दुनिया को जो चेंज करने वाला जो प्लेटफॉर्म है, जो अपने जिसके साथ हम अगर जुड़े हुए, तो यहाँ पे सबसे छोटा भी अगर कोई रहेगा ना, इसमें एंट्री किया हुआ, वो सबको यहाँ पे पैसा जनरेट होने वाला है। सिर्फ पेशेंस रखना है। आज के दोनों वीडियो में आपने देखा होगा, 24 घंटे का जो 24 घंटे में आप 48 घंटे का काम कैसा कर सकते हैं, उसके बारे में सब चीजें आ चुके, जो कम समय में हम ज्यादा काम कैसा कर सकते हैं उसके बारे में वहाँ पे आपने को मैसेज दिया है। सब चीजें बहुत अच्छी है, जो हम बार बार उसको सुनेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। उसके बाद अगर बात करेंगे जो सेकंड वीडियो है, हम जो बाकी है लोग गालियां देंगे तो भी उसको अपने को पैसा कन्वर्ट करना है, पैसा आगे लेके जाना है, क्योंकि हम शांत रहेंगे और अगर पेशेंस के साथ काम करेंगे तो हमारा हर काम सक्सेस होने वाला है। ऐसा नहीं अगर हम कहीं पे भी अगर कोई अगर अग्रसर होते जाते हैं या क्रोध अगर प्रकट करते हैं तो वहां पे हमारा और सामने वाले का दोनों का भी नुकसान है, सिंगल एक आदमी का नुकसान नहीं, सबका नुकसान है। तो अगर वही अगर हम थोड़े से समय के लिए अगर आपको नहीं जम रहा है तो शांत बैठना, बाकी कुछ नहीं करना है, और जब आप शांत हो जाएंगे उसके बाद फिर उसके ऊपर बात करना या उसके ऊपर काम करना। 100% आपका भी काम सक्सेस होगा, सामने वाले का भी काम सक्सेस होगा, और आने वाला समय सबके लिए ब्राइट रहेगा। इसी मैसेज के साथ अभी आपका जो अपना लाइव वीडियो मैंने आपको दिखाया था, जो आपको जरूर था, आज के डेट में बहुत सारे लोग अगर उधर उधर की बातें कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अग्रसर हो रहे हैं या बहुत सारे लोगों को गुस्सा आ रहा है, तो वो सबके लिए बहुत सॉरी। तो ये हिसाब से दोनों वीडियो आपने लिए ये टाइम पे बहुत कीमती थी। अभी कल परसों जो भी वीडियो आपके सामने आएगी इससे बेहतर रहेंगे। हर दिन का वीडियो, हर दिन का मोटिवेशन आपके लिए अच्छा लेके मैं आऊंगा और आपके साथ बना रहूंगा। अभी आज काम का अपना जो मीटिंग स्टार्ट करते उसमें मैं इतना ही बोलूंगा, आज का डेट और कल का डेट हम क्लासिक के बारे में बात करेंगे। 16 तारीख से हम नए प्लेटफॉर्म के साथ एक कॉइन के माध्यम से या कंपनी का जो भी नया रहेगा उसके साथ हम काम करने वाले, इसी को समझना है। आज का डेट और कल के डेट में जितने भी लोग रहेंगे, अपने जो भी लोग कम्युनिटी रहेगी उसको इस मीटिंग में लेके आना है। उसके बाद आपको जो वीडियो अभी बन चुके लास्ट के 2-3-4 दिन के, वो वीडियो हम लोगों को सुना के आप लोगों को दिखा के फिर आगे का काम कर सकते हैं क्लासिक के लिए। या किसी को अगर डाउट भी है तो आपने अपने लीडर को पूछ सकते हैं, या अपने जो भी कम्युनिटी उनके साथ आप बैठ सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, या कभी जरूरत पड़े तो आप खुद लेवल पे अपने लेवल पे मीटिंग अरेंज कर सकते हैं, उस मीटिंग में मेरे को इन्वाइट कर सकते हैं, जो हम लाइव मीटिंग उसको देंगे और उसमें जो भी कन्विंसिंग करना है, लेकिन वो मीटिंग आप लोगों को करना पड़ेगा। जैसे आज दोपहर को अभी नरोड़े सर है, अपने चंद्रकांत पाटिल सर है,
उसके बाद अंकुश बोबी सर, वो लोगों ने खुद की मीटिंग आज दोपहर को 3 बजे का स्टार्ट किया है उनकी कम्युनिटी के लिए स्पेशली, और उस मीटिंग में उन्होंने मेरे को इन्वाइट किया था, मैं उधर वहां पे जाके उनको गाइड किया। उसी तरह क्लासिक के बारे में अगर पूरी कम्युनिटी की बात कर रहा हूं मैं, किसी को भी अगर आपके टीम को समझाना है या टीम के साथ अगर बात करनी है तो आप अपने लेवल पे मीटिंग अरेंज करना है और उस मीटिंग में मेरे को इन्वाइट करना है, मैं उस मीटिंग में क्लासिक के बारे में बता सकता हूँ। लेकिन हमारा जो रेगुलर मीटिंग अभी 8 बजे का होने वाला है वहां पे हम नए सिस्टम के साथ नए प्लेटफॉर्म के साथ हम काम करना स्टार्ट करेंगे 16 तारीख से, ये चीज को समझना है। तो आज और कल का डेट अपने पास जो क्लासिक के बारे में बात करेंगे, उसके बाद पूरा नए डेवलपमेंट के हिसाब से हम काम करना स्टार्ट करेंगे। जैसा हमारा जो बेस कॉइन के बारे में जो चीजें होने वाली है, या अपने 100% कैशबैक के बारे में, या हमारा जो बाकी बहुत सारी चीजें जिसके बारे में हम बात करेंगे, साथ साथ हमारा जो फंक्शन जो अभी कंपनी 4 मार्च को स्टार्टअप किया उसके बारे में हम ज्यादा बातें करके ये मीटिंग को आगे लेके जाएंगे। तो इसी के साथ आज का जो पार्ट है वो अपना क्लासिक के बारे में, जो सर ने बोला है स्वैपिंग करना बहुत जरूरी है, और 100% मेरी राय आपको सब लोगों को बताऊंगा, स्वैपिंग से हमारा सबका भला होने वाला है ना, कंपनी का भी, अलेक्स सर का भी, अपना भी और लोगों का भी, इसके सबका भला, ऐसा नहीं एक आदमी का है, यानी इसका भला इसलिए है क्योंकि यहाँ से हम अच्छा पैसा जनरेट करके जो लोग यहाँ पे सपना लेके आए उनको सपना पूरा करके दे सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर देखेंगे आप, स्वैपिंग करने का मतलब इतना ही है क्योंकि यहाँ पे 3 ऑप्शन तो ऑलरेडी कंपनी दे चुकी है, कंपल्सरी नहीं है, लेकिन हमारा ये राय रहेगा हमारे कम्युनिटी के लिए। नहीं तो आप उसको क्या कर सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं, नहीं तो फिर उसको क्या कर सकते हैं, आप होल्ड कर सकते हैं, नहीं तो फिर उसको क्या कर सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी बात, बहुत सारे लोगों का आज भी कंफ्यूजन चल रहा है मार्केट में, बहुत सारे लोग अभी नए जिनका ऐसा ही दिमाग में बैठा है कि हमारा कॉइन चेंज हो गया, लेकिन यहाँ पे कोई भी कॉइन चेंज नहीं किया है, कॉइन वही है, प्लेटफॉर्म पूरा वही है, अपना उसका अगर बात करें वॉलेट वही है, अपना फार्म वही है, जो मिंटिंग हो रहा है जो प्रॉपरली वही हिसाब से हो रहा है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया, जो भी चीजें अगर बात करेंगे 100% उसी के हिसाब से, और सब जगह पे वो लाइव चल रहा है। जैसे अगर बात करेंगे कॉइन बिट के ऊपर, उसका क्लासिक नाम से हुआ है, बाकी अदर जो भी 15-16 एक्सचेंजर है जहाँ पे अपना PLC पुराना, वो अभी आने वाले एक हफ्ते के अंदर, ये अभी जो रनिंग हफ्ता स्टार्ट हो रहा है उस हफ्ते में सब जगह पे आपको ये क्लासिक नाम से आपको देखने को मिलने वाला है। यानी जहाँ पे भी PLC दिख रहा है अलग अलग एक्सचेंजर पे, 15-16 एक्सचेंजर है वहाँ पे, जो पुराना कॉइन की अगर बात करेंगे वहाँ पे अभी क्लासिक बना नहीं है, वो क्लासिक बनने का अभी एक हफ्ते के अंदर सब जगह आपको PLC क्लासिक दिखेगा, जो पुराना कॉइन की बात करेंगे, जो हर जगह पे ट्रेडिंग करना स्टार्ट करेगा, वहाँ पे आप यूडल्स करना स्टार्ट करेंगे, वहाँ पे आप विड्रॉल करके आपको स्वैप करना है स्वैप कर सकते हैं, किसी और को भेजना है भेज सकते हैं, सब चीजें कर सकते हैं। या बाकी जो भी सब 15-16 एक्सचेंजर वहाँ पे सब जगह पे ये अपना क्लासिक लाइव रहेगा, और उसका सबका रेट आपको एक जैसा देखने को मिलने वाला है लमसम, जैसे आप ऊपर नीचे दिख रहा है, क्योंकि वहाँ पे ट्रेडिंग नहीं हो रहा है, वहाँ पे हम ट्रांजेक्शन नहीं कर पा रहे, एक दूसरे को सेंड नहीं कर पा रहे, लेकिन ये सब चीजें अभी आने वाले हफ्ते में, जो अभी नया हफ्ता भी स्टार्ट होगा संडे मंडे से, तो ये हफ्ते में पूरा कम्प्लीट आपको देखने को मिलने वाला है। उसके साथ साथ जो अपना नया PLC जो $20,000 का जो अपना लाइव चल रहा है, वो भी ये सब एक्सचेंजर पे, जो भी 15-16-20 जो भी एक्सचेंजर रहेंगे, हर जगह पे आपको वो नया PLC $20,000 के हिसाब से आपको देखने को मिलने वाला है। ये दोनों कॉइन मार्केट में पैरेलल काम करने वाले, और एक्स कॉइन ये अपना कॉइन जो सिर्फ अपने कम्युनिटी के लिए बना हुआ कॉइन है, वो कोई भी एक्सचेंजर पे नहीं जाने वाला, इस चीज को आपको समझना है, क्योंकि एक्स कॉइन ये खाली अपने कम्युनिटी के लिए बना हुआ है, जो फार्मिंग के लिए कॉइन बना हुआ है, वो आज भी और आने वाले समय में कभी भी कॉइन बिट छोड़ के और अपना कंपनी का प्लेटफॉर्म छोड़ के कहां पे भी वो अपना लिस्टेड नहीं होने वाला है, ना कि वो अभी कोई ट्रेड करने वाला है, ये चीज को समझ। यानी अपने कंपनी के फिलहाल अभी दो ही कॉइन है, जो अपना क्लासिक है जो अभी काम कर रहा है मार्केट में, और सेकंड पार्ट आता है अपना PLC जो टोकन है, ये दोनों पैरेलल काम करेंगे मार्केट में, दोनों हर एक्सचेंज पे आपको दिखेंगे, और आने वाले एक दिन में, यानी एग्जाम्पल ज्यादा से ज्यादा मार्च से पहले ये अपना कॉइन बिट के ऊपर, सॉरी जो अभी लाइव चल रहा है, हर जगह पे आपको दिखने वाला है, साथ साथ 1-1.5 महीने में, यानी अपने फंक्शन तक शायद वो अपना कॉइन मार्केट कैप में भी लिस्टेड होगा, अपना PLC जो है नया वो कॉइन मार्केट कैप में लिस्टेड होने वाला है, ये चीज को समझना है। बाकी उसको बाइनेंस पे लेके आना वगैरह इसके लिए बहुत सारा टाइम है सर बोले, इतना घाई नहीं है, उसके लिए बहुत सारा टाइम जाने वाला है, तब वो वहां पे चला जाएगा। तो ये सब चीज को आपको समझना है और इस हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पे जो क्लासिक की अगर बात करेंगे, क्लासिक जो है अपना जैसा मैंने बताया, यहाँ पे जो फ्यूचर की अगर बात करेंगे, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि क्लासिक का फ्यूचर क्या है, तो उसके लिए मैं इतना ही बोला आपको, 3 ऑप्शन तो अभी फिलहाल दे चुकी कंपनी, जो आपको तुरंत आप जब चाहे तब कैश कर सकते हैं, यानी विड्रॉल कर सकते हैं डॉलर में उसको कन्वर्ट करके, उसके साथ साथ आप उसको होल्ड कर सकते हैं और साथ साथ उसको आप स्वैप कर सकते हैं। तो ये अगर बात करेंगे तो स्वैपिंग के लिए अपने $20,000 के हिसाब से काउंटिंग हो रहा है, जो आपको 5 साल में डिवाइड करके कंपनी दे रही है। लेकिन अगर इसका रुकेंगे तो और लोगों का ये भी कहना है इसका क्या होने वाला है, तो इसका यूटिलाइज कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि उसका यूटिलाइज जो भी है कंपनी वहां पे निपटा दिया है, क्योंकि उस कॉइन को कंपनी मदर करेंसी में कन्वर्ट करने जा रही है।
जो है ना अपना क्लासिक जो रहेगा उसको मदर करेंसी में कन्वर्ट किया जाएगा, जो ट्रोन ब्लॉकचेन के ऊपर अभी उसको कंपनी उसका वर्किंग चल रहा है, जो आने वाले दिसंबर तक कंप्लीट होने वाला है। यानी दिसंबर महीने में जो भी यानी लास्ट तक जो भी कॉइन रहेंगे जो क्लासिक रहेंगे उसको कंपनी क्या करेगी, लगभग 1 लाख कॉइन रहेंगे जो वहां पे कंपनी कन्वर्ट करेगी अपने ट्रोन ब्लॉकचेन के ऊपर, और वो मदर करेंसी के हिसाब से कन्वर्ट होगा। उसका रेट क्या रहेगा आज पता नहीं है, लेकिन वो टाइम के हिसाब से कंपनी उसको क्लियर करेगी, रूल्स ऐसे उसको कंपनी कंटिन्यू लेके जाएगी। और जो स्वैप करने वाले कॉइन है उसको 5 साल में, यानी पहले साल में 2%, दूसरे साल में 5%, तीसरे साल में 10%, चौथे साल में 20% और पांचवें साल में यानी वहां पे 63%। जो अपना कॉइन है वही कंपनी रिलीज करके देने वाली, वहां पे कोई भी कॉइन मल्टीप्लाई नहीं करने वाली, वही कोई मिंटिंग नहीं होने वाला है, इस चीज को आपको समझना है। यानी कंपनी क्या किया, जो 5 गोल्डन रूल्स कंपनी एलेक्स सर अपने को फॉलो करने के लिए बोल रहे थे कम्युनिटी को, लेकिन किसी ने भी उसको फॉलो नहीं किया, और उसके कारण क्या हुआ है अपना कॉइन का जो डाउन होते आप देख रहे हैं, तो यही कारण है जो कोई भी कम्युनिटी उसको फॉलो नहीं कर रही है। और इसी कारण सर ने क्या किया, उसको जबरदस्ती बोल सकते हैं हम, या जानबूझ के बोल सकते हैं, या लोगों को पैसा भरने का एक मौका देने के लिए बोल सकते हैं, हम इसको 5 साल में कंपनी इसको डिवाइड करके दिया, जो यहाँ पे 5 गोल्डन रूल्स फॉलो होने वाले। तो यहाँ पे क्या किया कंपनी, अपना जो कॉइन जो $300-$400 का लगभग चल रहा है वहां पे कंपनी उसको स्वैप करके दे दिया $20,000। तो ये चीज को पहले समझना है कि कंपनी के पास अपना कोई भी पैसा नहीं है, ना कंपनी आपका पैसा लिया हुआ है, फिर भी आपने को ये $20,000 एक क्लासिक के माध्यम से आपको यहाँ पे कंपनी जनरेट करके दे रही है, जो आपको 5 साल में डिवाइड होकर आने वाले है। यानी आपका $300-$400 का जो कॉइन है वो कंपनी आपको दे रही है। अगर आपको नहीं लेना है तो कोई जबरदस्ती नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं वहां पे नुकसान कर रहा हूँ 5 साल के लिए जाने के बाद या 5 साल में कन्वर्ट करने के बाद, तो आपको जबरदस्ती किसी को भी नहीं है। हम अगर स्वैपिंग करना नहीं चाहते तो मत करो, फिर आपका मार्केट जो भी रेट रहेगा उसको आपको मिलेगा, नहीं तो आपको कन्वर्ट करने का जो मौका मिलेगा उसमें आपको कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे कोई भी पैनिक होने की जैसी बात नहीं है, या किसी को अगर एक दूसरे को इधर उधर की बातें करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी अगर आपके पास आ रहा है, जो भी अगर आपके साथ जोड़ रहा है, या जो भी आपके साथ अगर कन्विंस करने का कोशिश कर रहा है, तो उसने उसका कुछ भी फायदा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जिसके पास क्लासिक है उसका फायदा, इस चीज को समझना है। क्योंकि उसके ऊपर ना किसी को कमीशन मिलने वाला है, ना किसी को रैंक में चेंज होने वाले है, ना कुछ होने वाला है। लेकिन जो लोग अपने एक दूसरे के ऊपर भरोसा करके अगर इस सिस्टम में जुड़े हुए हैं, तो वो लोग अपने अपने लोगों को कन्विंस करने का इसलिए कोशिश करें क्योंकि उनको ये लगता है कि अपने लोगों को पैसा जनरेट होना चाहिए या अपने लोगों का नुकसान नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर वो नहीं सुन रहे तो उसकी जिम्मेदार खुद आप खुद रहेंगे। कोई भी सीनियर, कोई भी लीडर या कोई भी कंपनी का मालिक यहाँ पे कोई जवाबदार नहीं रहने वाले, क्योंकि प्लेटफॉर्म को पहले आपको समझना है। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ यहाँ पे जो पैनिक लोग कौन है, जो सिस्टम को नहीं समझ रहे, जो अपने प्लेटफॉर्म को नहीं समझ रहे, जो टेक्नोलॉजी को नहीं समझ रहे, वो लोग पैनिक है। लेकिन जो भी लोगों ने सिस्टम को समझा या अपने प्लेटफॉर्म को समझ चुके हैं, वो लोग कोई भी आज भी पैनिक नहीं और आने वाले समय भी पैनिक नहीं रहने वाले। इस चीज को समझना है, क्योंकि जो भी लोग अगर आगे बातें करते हैं तो उनको इतना बोलना है कि आपका खुद का पैसा लगा हुआ है, तो जो लोग आपको समझा रहे उनका भी पैसा लग चुका है, ये भी चीज को समझना है, ना कि खाली अकेले ने आपने लगाया, सब ने पैसा लगा हुआ है। अगर डाउन में चला गया तो आपका भी गया, जो लोग बता रहे उनका भी चला गया, तो ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि उनका नहीं गया और आपका गया। ये चीज को समझना है, क्योंकि जो भी चेंजेस हुआ है सबके लिए हुआ है, टोटली जो भी लोग इस सिस्टम के साथ जुड़े उनके सबके लिए एक जैसा सिस्टम और भी बन चुका है। तो यहाँ पे क्या है, जो लोग अगर आपको समझा रहे और आप समझ नहीं पा रहे तो खुद की गलती रहेगी, इसमें किसी की भी और थर्ड पार्टी की गलती नहीं रहेगी, या जो सामने वाले लोग उनकी गलती नहीं रहेगी। इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको समझ के लेना है, क्योंकि टाइम बहुत कम है। कभी भी ये कंपनी अगर स्वैपिंग का पार्ट चेंज कर देगी, अगर शायद कल जाके वो स्वैपिंग करने के लिए 20,000 के बदले कंपनी 10,000 भी लेके आ सकती है, या उससे कम भी लेके आ सकती, फिर आपको उसमें जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको कंपनी नया चेंज करके देगी और उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो फिर आपको जबरदस्ती करना पड़ेगा, इस चीज को समझना है, नहीं तो फिर क्या करेगा, आप बहुत बड़ा नुकसान कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी $20,000 के हिसाब से अगर बात करेंगे तो एक बहुत अच्छा मौका है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो भी अमाउंट लगी हुई है उसको मल्टीप्लिकेशन करके भी यहाँ से हम निकाल सकते हैं, और बहुत बड़ा पार्ट है यहाँ पे। अगर समझने वाली बात है, यहाँ पे आपने को इतना बड़ा पार्ट दिया हुआ है कि यहाँ पे किसी भी सिंगल आदमी का, जो भी कंपनी अभी स्ट्रेटेजी बनी हुई है ना अपना 5 साल के लिए, वहां पे सिंगल आदमी का किसी का भी नुकसान नहीं होगा। सिर्फ समय लगेगा लेकिन नुकसान किसी का नहीं होगा। आप एक सिंगल कॉइन अगर वहां पे आप अपलोड कर रहे हैं या स्वैप कर रहे हैं, तो एक कॉइन के बदले आपको कंपनी $20,000 का पीएल स्वैप कंपनी दे रही है। यानी उसका आज का वैल्यू कितना बन रहा है, लगभग 17 लाख प्लस, 70 लाख प्लस उसका वैल्यू बन रहा है। यानी एक कॉइन का वैल्यू आपने कितने में लिया वो बात नहीं है, लेकिन उसको आज कंपनी जो वैल्यू मार्केट में चल रहा है उससे 50-60 गुना पैसा कन्वर्ट करके दे रही है। ये चीज को आपको समझना है। यानी आज अगर बात करें $350-$400 जो भी कॉइन का रेट चल रहा है, तो 50-60 गुना कैलकुलेशन बना के ये कॉइन
यहाँ पे जनरेट करके दे रही कंपनी, यानी अमाउंट आपको जनरेट करके दे रही है। अगर किसी ने जो कॉइन अगर आपने परचेस किया तो एक कॉइन का छह कॉइन अगर सात कॉइन आपका साल में बना हुआ है तो आप समझ सकते हैं लगभग $1.5 लाख यहाँ पे कन्वर्ट करके दिया जा रहा है आपको। अगर ये कॉइन का रेट डबल हो जाता है तो आपका वैल्यू और डबल हो जाएगा। अगर आपको तीन गुना हो जाता है तो आपका वैल्यू तीन गुना होने वाला है। अगर उसको चार गुना होता है तो आपका वैल्यू चार गुना भी होने वाला है। और $1 लाख पे अगर वो लेके जाती है तो उसका आपका वैल्यू 5 गुना, यानी 50-60 गुना का 5 गुना। ये चीज को आपको समझना है। तो ये बहुत बड़ा वैल्यू है, बहुत बड़ा पार्ट है। ये चीज को अगर आप समझेंगे तो मैं बोलता हूँ मार्केट में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है इतना सारा पैसा आपको बना के देने वाला है। नहीं तो फिर आप वैसे भी अगर जीरो है या कम हुआ है अपना वैल्यू तो वो होने वाला है, उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। लेकिन अगर मौका मिला है तो उसको छोड़ो मत, क्योंकि इसके माध्यम से क्या होने वाला है, आपको बहुत अच्छा पैसा जनरेट होने वाला है। यहाँ पे अगर समझ वाली बात, यहाँ पे हम अगर यहाँ पे जो भी स्वैप करेंगे, जैसे जैसे अपने पास अगर फंड रहेगा, जैसे आपको किसी के पास 0.1 रहेगा, किसी के पास 0.2 क्लासिक रहेगा, किसी के पास 0.5 रहेगा, किसी के पास 1 क्लासिक रहेगा, किसी के पास 2 रहेगा, किसी के पास 5 रहेगा, किसी का 10 रहेगा, या किसी को 50 या 100 भी रहेंगे या उससे ज्यादा भी रहेंगे, तो आप जिस लेवल पे पैसा लगा हुआ है उस हिसाब से आपको कॉइन्स आ रहे हैं और उस हिसाब से आपको यहाँ पे स्वैप करके आपको पैसा मल्टीप्लाई करने का बहुत बड़ा मौका इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिला हुआ है। अगर आप बात करेंगे एक कॉइन अगर किसी ने परचेस किया हुआ था तो भले $1 लाख का रहेगा वो, लेकिन आज अगर उसको इतना सारा कॉइन बना करके मिल रहा है तो उसका कितना बड़ा पैसा बनने का मौका कंपनी यहाँ पे दे रही है। अगर उसका $1 लाख वैल्यू बनती है और उसका अगर 5 करोड़, 6 करोड़ या 7 करोड़ वैल्यू अगर इस सिस्टम के माध्यम से बनने वाला है तो मैं बोला 2 साल नहीं, 4 साल नहीं, 5 साल, 10 साल भी रुकेंगे ना तो कोई भी नुकसान नहीं है। आपने पैसा लगाया कितनी और अपना मिलना कितना वाला है, ये चीज को समझना है। मैंने जब स्टडी किया, जब भी मैं ये सब वीडियो वगैरह देख रहा था तब मेरे को वहां पे एक वीडियो ये भी सुनने को मिला, तब मेरे को स्टडी किया मैंने का शेयर मार्केट का और बाकी सिस्टम का वहां पे कंपेयर किया हुआ है, बैंकिंग सेक्टर का कंपेयर किया हुआ है। उस टाइम में जब सुना ये चीजें देखे तो उसमें ये पता चला मार्केट में अगर जो भी लोगों ने पैसा बना हुआ है वो ये कुछ उंगली के ऊपर कुछ छोटे कम लोग रहेंगे उनका कम समय में अच्छा पैसा बना है, लेकिन बाकी दुनिया की अगर बात करेंगे 99% जो भी लोग पैसा बना रहे, जो लोगों का पैसा बड़ा बना है उन्होंने 1 साल में, 4 महीने में या 2 महीने में नहीं बनाए, उनके लिए 8 साल, 10 साल, 12 साल मार्केट में देना पड़ा तब उसका पैसा बना। भले वो बिटकॉइन का क्यों ना हो या अदर करेंसी का क्यों ना हो या आपका शेयर मार्केट का क्यों ना हो या आपका फॉरेक्स ट्रेडिंग का क्यों ना हो, शेयर मार्केट में मैंने देखा जो भी स्टडी किया मैंने जब उसके बाद मेरे को पता चला शेयर मार्केट में आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे ना तो एक गिने चुने का अगर सिस्टम का अगर छोड़ेंगे, अगर कुछ लोगों का अगर छोड़ेंगे तो कम समय में अच्छा पैसा मिला। लेकिन अगर जनरल बात करेंगे, जो जनरल बात की अगर बात करेंगे तो वहां पे लोगों का पैसा 8 साल, 10 साल, 12 साल में मल्टीप्लाई होता है और जब एक एवरेज निकलता है तो उसका एवरेज निकलता है लगभग 10%, 14%, 18% साल का, ना कि एक मंथ का या दिन का, तो साल का एवरेज निकलता है। भले उसका पैसा मल्टीप्लिकेशन अच्छा हो जाता है कितने दिन में, 10-12 साल में, लेकिन जब 10-12 साल का हम कैलकुलेशन करेंगे, हम जो फंड लगाते हो वहां पे शेयर मार्केट हो या फॉरेस्ट्री हो कहां पे भी, तो वो समय उतना जाता है तब उसका पैसा मल्टीप्लाई होता है, एक दिन में नहीं होता है। लेकिन वो एक दिन में होता है लेकिन उसके बीच में कितना साल जाते हैं, 8-10 साल जाते हैं, 12 साल जाते हैं। और जब हम उसको कैलकुलेशन करेंगे पूरे 10-12 साल का वैल्यू के हिसाब से, कैलकुलेशन के हिसाब से, तो उसका एवरेज निकलता है अपने को 17-18% ज्यादा से ज्यादा एवरेज। तो ये चीज को आपको समझना है। अगर बिटकॉइन की बात करेंगे जिसने पैसा बनाया तो एक दिन में नहीं बनाया, उसके लिए भी 5 साल, 7 साल, 8 साल वेटिंग करना पड़ेगा, ये चीज को समझना है। या अगर कोई भी करेंसी की बात करेंगे, कोई भी सिस्टम की बात करेंगे, बैंकिंग सेक्टर की बात करेंगे या अदर कोई भी सिस्टम की अगर बात करेंगे तो किसी का भी एक दिन में पैसा बड़ा नहीं हुआ, 1 साल में पैसा बड़ा नहीं हुआ है। लेकिन अगर वो लोगों का पैसा बड़ा हुआ है तो उसके लिए भी उनको 8 साल, 10 साल, 12 साल वेटिंग करना पड़ा है और तब उनका पैसा मल्टीप्लिकेशन हुआ है, वो भी कितना, 17-18% साल के हिसाब से, ना कि बड़े हिसाब से। अगर कैलकुलेशन करेंगे तो जितना भी फंड लगा रहे और उसका उतने समय का अगर कैलकुलेशन करेंगे तो ज्यादा पैसा किसी को नहीं मिला है, 17-18 साल, 17-18% के हिसाब से ज्यादा ज्यादा प्रॉफिट जनरेट हुआ है, ये आज तक का रिकॉर्ड है, आप चेक कर सकते हैं। मैंने जो स्टडी करने के बाद मैं आपके सामने भी लेके आया हूँ, ऐसा नहीं लेके आया, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा आप लोगों से। तो ये हिसाब से अगर बात करेंगे, अगर हमारे सिस्टम के साथ अगर हम जुड़े रहेंगे और अलेक्सा के माध्यम से कोई भी सिस्टम में अगर आपको पैसा बड़ा बनाना है, कोई भी सिस्टम की बात करेंगे, कम से कम आपको 3 साल, 4 साल, 5 साल देना ही पड़ेगा तो ही आपका पैसा अच्छा जनरेट हो सकता है। आपको क्या लगता है मार्केट में पैसा लोगों ने बनाया, जो अभी आज बीच में अगर बात करेंगे, जो किसी ने $80,000, किसी ने $1 लाख या किसी ने जो भी $50,000-$60,000 में अगर कॉइन का पैसा बना हुआ है, वो लोगों ने क्या एक दिन में बनाया या ये 5-6 महीने में बनाया, नहीं बनाया। वो लोग ऐसे लोग थे उन्हें कम से कम ये सिस्टम के साथ, आपको अगर छोड़ेंगे छोटे मोटे कुछ लोगों को अगर बात करेंगे जो गिने चुने लोग है, वो एंट्री कर दिया और उनका पैसा बना। लेकिन ये जो बनाए हुए लोग कौन है मालूम है, जिसका 1 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल ये सिस्टम के साथ जुड़े,
और यही कारण है उनका ये स्टडी हुआ और उसके हिसाब से उन्होंने काम किया और उसकी वजह से उनका पैसा बना है। इस चीज को समझना है, यानी लॉटरी लगती है एक ही बार लगती है, लेकिन उसके लिए आप लोग को कितना समय देना पड़ता है ये आपको भी पता है। लॉटरी एक ही दिन लगती है, लेकिन लोग दो बार, चार बार, दस बार, पचास बार, सौ बार उसका टिकट परचेस करते हैं। तब कभी अपवाद होता है, कोई अगर उसके भाग्य में रहेगा तो टिकट निकाला और तुरंत लॉटरी निकली। लेकिन अगर बात करेंगे आप अगर लॉटरी की भी बात करेंगे ना, तो वहां पे भी ऐसा नहीं कि हमेशा सबके लिए ऐसा ही होगा टिकट निकाला तुरंत होगा। कितने सालों से लोग टिकट परचेस कर रहे हैं लॉटरी का भी, तब कभी किसी को एक जन को लगता है, ये भी चीज को समझना है। तो ये ऐसा अगर बात करेंगे तो पूरे कम्युनिटी सिस्टम की अगर बात करेंगे, कहीं पे भी पूरी दुनिया में आप कहीं पे भी जाएंगे, लिमिटेड अगर सिचुएशन छोड़ेंगे तो हर जगह भी आपको क्या करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, समझ के लेना पड़ेगा, तभी आप इस हर जगह पे पैसा बना सकते हैं। बाकी जगह पे पैसा इतना आसानी से नहीं बनता, लेकिन हमारी सिस्टम के माध्यम से, हमारी कंपनी के माध्यम से, अपने एलेक्सर के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमको इतने गारंटी के साथ अगर पैसा जनरेट होने का मौका अपने को आने वाले 5 साल के लिए, आने वाले 10 साल के लिए अगर सिस्टम ने दिया हुआ है, तो इसको आपको समझना चाहिए। अगर ये मौका आपने अगर छोड़ दिया तो मेरे हिसाब से इतना अच्छा पैसा बनने का मौका मार्केट में फिर वापस जल्दी सबको नहीं मिलेगा। किस लोगों को, लिमिटेड लोगों को कहीं ना कहीं मिल सकता है शायद, लेकिन हमारी कम्युनिटी के साथ अगर बात करें तो क्या हो रहा है, सबके लिए, ना कि एक के लिए। जितने भी लोग अगर ये क्लासिक के माध्यम से स्वैप करके जाने वाले, वो सब लोगों को 5 साल में ये पैसा जनरेट होने का इतना बड़ा मौका इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको मिला हुआ है। और ये चीज को आपको सबको समझना है, ये समझने के लिए बार बार आपके पास, आपके घर पे कोई नहीं आने वाला है, ये चीज को समझना है। हमारे, हमने देखा है मार्केट में बहुत सारे सिस्टम आई और चली गई, कोई किसी के घर पे नहीं गया, कोई किसी को बोलने को नहीं गया, हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो सकता है, सिर्फ गया वो आपके नसीब में था इसलिए गया, ये बोल देते और छोड़ देते। तो सामने वाला रोते बैठा है, कंपनी भाग चली गई है, या ओनर जो भी है उसको आपको आपने देखा है भागते हुए, सब चीजें देखा है, सिस्टम क्लोज हो चुकी है, अपना फेस वैल्यू खराब हो चुका है, अपना पैसा हम सब पूरा मार्केट में लूज कर देते, लेकिन उसको बचाने के लिए आपने सामने कोई भी नहीं रहता है। लेकिन यहाँ पे मिस्टर अलेक्सर हमारे खुद सब लोगों के साथ खड़े है, और हम सब लोगों ने जो मार्केट में पैसा लूज किया हुआ है, उस लूज किए हुए पैसे को जनरेट करके फिर वापस अपने लोगों के बीच में ये पैसे को कैसा अपन लेके आ सकते हैं और हमारे लोगों को कैसा पैसा बना के दे सकते हैं, इसको स्टार्टेड कंपनी बनाई और इसके लिए अपना प्लेटफॉर्म बना हुआ है। यहाँ पे किसी की गलती नहीं की है या किसी का चोरी मारे कंपनी नहीं कर रही है, तो सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पे कंपनी अपनी टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करके, आप जो पैसा कंपनी ने लिया ही नहीं है, ऐसा पैसा अपने लोगों को जनरेट करके टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ये प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपने को दे रही है। अरे अगर इसको हम आज नहीं समझ जाएंगे तो जैसा बोलते हैं ना, गाड़ी निकल जाने के बाद, यानी हम कुछ नहीं कर सकते, तो उसी हिसाब से अगर ये समय निकल जाएगा और आपका क्लासिक अपने वॉलेट में पड़ा रहेगा, तो आने वाले समय में आपको जो भी लाइव रेट रहेगा उसी रेट से आपको लेना पड़ेगा और उसी वैल्यू से आपको पैसा जनरेट करना पड़ेगा। उसके लिए कंपनी या लीडर या कोई भी लोग अपने जिम्मेदार नहीं रहेंगे, इस चीज को आपको समझना है। अगर कोई आपको पास आपके पास आया और आपको उसने कन्विंस किया और आप उसके कन्विंस हुए और उसके बाद वो यहाँ पे इन्वेस्ट आपने या पैसा इस सिस्टम के साथ लगा दिया, तो वही लोग अगर आपके पास वापस आ रहे और आपको समझा रहे, तो जैसा पहली बार उनको समझ के अगर आपने लिया, तभी आपको बाहर निकालने के लिए वो लोग अगर आपके पास आ रहे, आपको समझा रहे, तो वो चीज को भी आपको समझना है। अगर आप उसके साथ, अगर जैसे मैंने अभी वीडियो आपको दिखाया, अगर वो हम खाली बातचीत ही करते रहेंगे, एक दूसरे को अगर इधर उधर की बातें करते रहेंगे, तो समय निकल जाएगा और हमारा जो काम होना चाहिए, भले पैसा थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन बनेगा 100%, इस चीज को आपको समझना है। और जब हम साथ में चलेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा, आपने जो नहीं सोचा उससे कई गुना ज्यादा पैसा यहाँ पे जनरेट होने का बहुत बड़ा मौका इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको मिलने वाला है। लेकिन क्या हम साथ में आएंगे तो, नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे थे, हमको अल्टिमा पहले दिन स्टार्टअप हुआ तो पता था, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया, जब $1,00,000 भी चला गया, उससे ऊपर चला गया, तब ध्यान देना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी स्वैपिंग का पार्ट है, वो स्टार्टअप अभी चल रहा है, उसके बाद लोगों का अच्छा पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा, फिर आप जग जाएंगे और बोलेंगे हमको भी करना चाहिए था, या हम भी कर सकते थे, या हमको किसी ने बताया नहीं, ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। इसके वजह से मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये आज और कल के दिन में हम जो भी बता रहे, या हम जो भी लगातार 8-10-15 दिन से जो भी बता रहे, या अपने जो टॉप लीडर, जो छोटे मोटे जो आपके पास आए हुए सब लोग अगर आपको बता रहे, तो इतना ही मैं समझा रहा हूँ, का सबका कहना सुन लो। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार आपको उसको समझ के लेना है। उसके माध्यम से नहीं समझा तो उसके ऊपर जो लोग रहेंगे उनके माध्यम से समझ सकते हैं, या उसके ऊपर के लोग हैं उनके माध्यम से समझ सकते हैं, या मैं खुद हूँ आपके सामने, मेरे माध्यम से आप समझ सकते हैं, नहीं तो फिर खुद आलेख सर अपने बीच में आके बार बार बता रहे, उसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। और उसके बाद भी अगर आप नहीं समझ सकते तो उसके लिए हम या कम्युनिटी कुछ नहीं कर सकते, इस चीज का समझना है। फिर आप खुद को समझना है और आगे बढ़ना है, आपको अच्छा पैसा बनाना है,
या आपको पैसा लूज करना है वो आपके ऊपर रहेगा, इसके लिए बाकी कम्युनिटी या कंपनी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि उन्होंने जो स्ट्रैटेजी बनाई है उस स्ट्रैटेजी के साथ अगर हम काम करेंगे तो 100% आपको पैसा बनाएंगे। जैसा हम धूप में जा रहे हमको धूप लग रही है और हमको बार बार कोई ना कोई आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, कोई छाता दे रहा है, कोई आपको छाव के बीच में लेके जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप वो कुछ भी नहीं मान रहे और फिर भी अगर आप छाव में खड़ा रहना या धूप में खड़ा रहने का अगर बात करेंगे तो उसके लिए कुछ कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आपको अगर कोई किसी का कहना मानना ही नहीं है, अगर आपको छाव में जाना ही नहीं है तो हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। उसी तरह यहाँ पे भी जो भी लोग अगर आपको अच्छे रास्ते पे जाने का अगर कोशिश कर रहे आ रहा हो आप नहीं मान रहे तो आपका पैसा खुद आप लूज करेंगे, इसलिए बाकी कम्युनिटी का या कंपनी का कोई भी पार्ट नहीं रहेगा। इस चीज को समझना है, ये समझते हुए आपको इस प्लेटफॉर्म को जितना जल्दी से जल्दी, मेरा राय सबके लिए इतना रहेगा, स्वैपिंग ये बहुत अच्छा पार्ट है जो हमको $20,000 मिनिमम आपको यहाँ पे विड्रॉल करने का मौका दे रहा है जो आने वाले समय आपको जनरेट होने वाला है। साथ साथ वो $20,000 का मैंने बोला मल्टीप्लिकेशन भी होने का बहुत सारे चांसेस है, क्योंकि आज आप देख रहे विड्रॉल होने के लिए वेटिंग चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि ये सिस्टम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड की हुई है। अगर हम एक्स कॉइन का काम करने जा रहे हैं तो एक्स कॉइन का जो विड्रॉल होने वाला है, एक्स कॉइन का जो बाइंग होने वाला है, वो सब पीएलसी के माध्यम से अगर होने वाला है तो पीएलसी का प्रॉफिट जो जो अपना रेट है वो 100% इंक्रीज होने का बहुत बड़ा मौका आपको यहाँ पे मिलने वाला है। इस चीज को समझना है, क्योंकि डिमांड ही उसी साथ क्रिएट किया हुआ है। अगर वो चीज कंपनी के हाथ में, दोनों तरफ से आप बात करेंगे, पीएलसी भी कंपनी के माध्यम से हमारे लोगों के माध्यम से वापिस जा रहा है, साथ साथ पीएलसी कैसा जा रहा है अपना जो स्वैपिंग कर रहे हैं उसके माध्यम से मार्केट में आ रहा है। इस चीज को समझना है, कंपनी खुद के पैसा यानी मार्केट में लगा के नहीं दे रही है या किसी को पैसा नहीं मांग रही है। हमने जो प्लास्टिक कंपनी को दिया और उसके माध्यम से जैसा एक प्लास्टिक दिया तो एक पीएलसी आपको जनरेट हो रहा है। तो ये चीजें सबको समझना है। जैसा कंपनी 15 लाख 15 लाख अपना पीएलसी मार्केट में ऑलरेडी लेके बैठी है, उसके बदले मार्केट से जितने भी पीएलसी प्लास्टिक आएंगे उसको स्वैप करने वाली, अगर मार्केट में 10 लाख ही अगर प्लास्टिक आएंगे तो वो 10 लाख की क्लासिक मार्केट में चेंजेस हो जाएंगे, बाकी के जो 5 लाख के वो बर्निंग हो जाएंगे, यानी 100% बर्निंग, यानी जितने क्लासिक अपने पीएलसी के लिए अभी स्वैप हो रहे वो 100% बर्निंग हो रहे। तो ये बर्निंग होने के कारण क्या होने वाला है, मार्केट में डिमांड क्रिएट करेगा, क्योंकि हम जितने कॉइन बर्निंग तो कर रहे लेकिन वो मार्केट में एक साथ नहीं आ रहे, उसको 5 साल तक वेटिंग कर दिया हुआ है, ताकि उसके वजह से क्या होगा, मार्केट में कॉइन धीमे धीमे करके आने वाले, और धीमे धीमे करके तो आ रहे लेकिन कम्युनिटी तो उतनी ही है और कम्युनिटी मल्टीप्लाई होने वाली है अपने एक्स कॉइन के माध्यम से। और यही कारण है जो कॉइन जो अपने को रिलीज हो रहे वो शॉर्ट हो रहे और डिमांड ज्यादा हो रहा है, इसके वजह से इसका रेट बढ़ने के लिए आप 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद पता चलेगा आपको, नेक्स्ट मंथ से आपको पता चलेगा, जब स्वैपिंग का पार्ट थोड़ा सा और मल्टीप्लाई हो रहा है और जैसा भी विड्रॉल अच्छी तरह से काम करना स्टार्ट करेगी, मैं बोलता हूँ आपको यहाँ पे बहुत बड़ा हंगामा होने जा रहा है जो पीएलसी का रेट मल्टीप्लाई करेगा। पीएलसी के रेट के साथ मल्टीप्लाई जैसे भी करना स्टार्ट करेगा लोग बहुत मजा कर लेंगे, क्योंकि उनका जो पर मंथ इनकम आने वाला है, सोते रहेंगे तो भी इनकम आने वाला है, कब तक आने वाला है, 5 साल तक आने वाला है, और वो 5 साल का इनकम भी आपको अगर और 5 साल चाहिए तो उसके लिए भी कंपनी और अच्छा मौका दे रही है। तो ये चीज को समझना है, अगर आपने एक ही बार अगर यहाँ पे सिस्टम को समझ लिया, आपके अगर पैसा है तो आप उसको पैसा लगा के भी और बढ़ा सकते हैं, नहीं तो जो है आपके पास वो भी लगा के आपको उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और आपके ये प्लेटफॉर्म के माध्यम से हर मंथ यानी पर मंथ के लिए आपको अगर बात करेंगे एक फिक्स इनकम जो आपको जनरेट होने वाला है, जैसे अगर एक्स कॉइन की बात करेंगे तो हम वहाँ पे 1 साल के लिए इनकम ले सकते हैं, उसके बाद आपको नहीं मिलने वाला है, लेकिन यहाँ पे आपको लगातार 5 साल तक वो इनकम मिलने वाला है जो अभी आपके पास 0 हो चुका है, यानी जो अगर बात करेंगे उसका बहुत छोटा वैल्यू हो चुका है, लेकिन वही वैल्यू आपको हर महीना मिलेगा आने वाले समय में। ये चीज को समझना है। जैसे अगर बात करेंगे जैसे एक कॉइन अगर कोई अभी यहाँ पे स्वैप कर रहा है तो उसको मंथली आ रहा है लगभग 3,000 रुपए, 2,28,000 रुपए आपको पर मंथ आएगा, ऐसा 12 महीने तक आएगा। वही आदमी को अगर सेकंड मंथ में या साल में जाएगा तो उसको लगभग 7,000 रुपीज आ रहा है, ऐसा 12 महीने तक आएगा। थर्ड मंथ में अगर बात करेंगे तो उसको लगभग 14,000-15,000 रुपए आ रहा है पर मंथ, तीसरे साल में 12 महीने तक आएगा। उसके बाद अगर बात करें चौथे साल में अगर बात करेंगे तो वहां पे आपको लगभग 30,000 रुपीज पर मंथ आएगा, वो भी 12 महीने तक आएगा। और उसके बाद पांचवे साल में अगर आपको लगभग आ रहा है आपको वहां पे 90,000 रुपए लगभग आपको पर मंथ आएगा और वो भी 12 महीने तक आएगा। कुल मिला के एक साथ करेंगे तो लगभग 17-18 लाख रुपए हो रहा है। ये चीज को समझ जाए, और वो ऐसे कैसे अगर रेट रहेगा तो अगर ये मल्टीप्लाई करेगा, अगर जिस हिसाब से मल्टीप्लाई करेगा उस हिसाब से आपका जो वैल्यू हर महीना जो आने वाला है वो ऑटोमेटिक बढ़ने वाला है। किसी ने अगर 10 कॉइन अगर यहाँ पे अगर स्वैप कर दिया
ये 10 टाइम मल्टीप्लाई करेगा, यानी लगभग 28-30 हजार रुपए पर मंथ आएगा, 28-30 हजार रुपए। यानी आज अगर बात करके अभी 10 कॉइन मार्केट में लेने के लिए कितना पैसा लगेगा, लगभग 3 लाख रुपए के आजू बाजू लगेगा, और आपको महीने का कितना आएगा, 30 हजार रुपए आएगा, यानी 10% पर मंथ पहले साल में आ रहा है, पहले साल में 10% पर मंथ। किसी को बोलने की जरूरत नहीं, किसी को बोलने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं करना है। 10 कॉइन अगर आप वापस स्वैप कर रहे तो 30% के, सॉरी आज के वैल्यू के हिसाब से बात करेंगे, जो लाइव रेट से अगर आप वहां पे लेके काम करने वाले तो 10% कितने महीने आएगा, पर मंथ आएगा, कितने साल तक आएगा, 12 महीने तक आएगा। सेकंड ईयर में कितना होगा, लगभग 25 हजार रुपए पर मंथ, सॉरी लगभग 75,000 रुपीज पर मंथ आएगा, 80 हजार रुपए लगभग आपको पर मंथ आएगा, 12 महीने तक आएगा सेकंड ईयर में, 10 कॉइन की बात करें हम लोग। उसके बाद अगर बात करेंगे हम थर्ड ईयर में बात करेंगे तो उसको लगभग 1.5 लाख प्लस, 1.5 लाख 1,60,000 रुपए प्लस पर मंथ आएगा, 12 महीने तक आएगा। उसके बाद अगर बात करेंगे तो फोर्थ मंथ में उसको लगभग आएगा 3 लाख प्लस पर मंथ आएगा, 12 महीने आएगा। और वही अगर हम बात करेंगे छठवें महीने में, छठवें साल, पांचवें साल में, तो वहां पे आपको 63% आ रहा है, यानी लगभग मेरे हिसाब से आ रहा है आपको 7.5 लाख रुपए पर मंथ, वो भी 12 महीने तक आएगा। ये चीज को आपको समझना है। दस लाख रुपए लगभग महीना आ रहा है आपने को, लगभग 10 लाख रुपए महीना आ रहा है आपको 12 महीने के लिए, पांचवें साल में, यानी सिर्फ 10 कॉइन्स आप वापिस स्वैप कर रहे। तो अगर 10 कॉइन के लिए कितना है, किसी ने अगर 1 कॉइन लगा हुआ है तो उसको वैसे भी 7-8 कॉइन बन रहे, और 2 कॉइन उसमें ऐड करके रखना है, या किसी के पास अगर 5 कॉइन आ रहा है तो उसमें और 5 कॉइन लेके रखना है, अगर किसी के पास 2 कॉइन है तो वो भी 8 कॉइन लेके रख सकते हैं, यानी आपकी कैपेसिटी के हिसाब से। अगर यहाँ पे कोई किसी अगर 100 कॉइन करेगा तो उसको 10 टाइम मल्टीप्लाई करेगा। तो ये चीज को सबको समझना है, यानी एकदम छोटी छोटी चीजें जिसको आप क्या करो, पेपर वर्क करो। ऐसा नहीं कि कोई बता रहा है इसलिए आपको सुनना है, या कोई बता रहा है इसलिए आपको उसको जानना है, ऐसा नहीं है। अगर आप यहाँ पे अगर पेपर वर्क के साथ बैठेंगे, इस प्लेटफॉर्म को सही में अगर समझ के लेंगे, तो आने वाले 5 साल तक आप इतना बड़ा पैसा जनरेट करने का मौका आपको यहाँ पे मिल रहा है, आप सोच नहीं सकते। और उस पैसे को भी अगर आपको और मल्टीप्लाई करना है, तो जो भी आपको प्रॉफिट पर मंथ आएगा वो आप एक्स कॉइन में लगा सकते हैं, एक्स कॉइन से फिर और 5-6 गुना मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उससे भी और अच्छा मल्टीप्लाई आपको करना है, तो वहां से फिर वापस आप 1 लाख डॉलर का जो आने वाला फंक्शन, जो दिसंबर से कंपनी स्टार्टअप करने जा रही है, जो स्वैप करेगी अपना PLSU 1 लाख डॉलर पे, उसको फिर आपको और मल्टीप्लाई करने का, और वहां पे हर साल आपको 20% 20% 20% 20% और 20% ऐसा 5 साल में डिवाइड करके मिलने वाला है। तो कितना बड़ा पैसा बनाने का मौका, अगर आपने आज जो $400 लगा दे रहे, वो $400 का 17-18 लाख रुपए बना रहे, 17-18 लाख रुपए का फिर वापस 5-6 गुना अगर बनाना है तो उसको भी कंपनी बना के दे रही है, और उसके साथ साथ फिर वापस उसको भी अगर 5 गुना बनाना है वो भी बना के दे रही है। तो ये चीज को आपको समझना है, यानी यहाँ पे एक कॉइन आपको एक साल में कम से कम 20 लाख 25 लाख 50 लाख रुपए बनाने का मौका दे रही है। ये चीज को समझना है, एक साल के यानी 5 साल के अंदर, सॉरी एक कॉइन, सिर्फ एक कॉइन आपको 30-40-50 लाख रुपए बनाने का मौका दे रहा है 5 साल के अंदर। खाली इसको मल्टीप्लाई करके लेना है आपको, मल्टीप्लाई करेंगे 5 साल के लिए तो भी ये 40-50 लाख रुपए एक कॉइन आपको बना के दे सकता है। ये चीज को आपको समझना है, सिर्फ अगर जैसे वैसा रेट रहेगा तो भी अगर उसको मल्टीप्लाई करेगा तो और मल्टीप्लाई करेगा, तो 100% अलेक्सा ने जिस हिसाब से डिजाइन किया हुआ है आपने लिए, जो सपने के हिसाब से हमने यहाँ पे इस चीज को देखा हुआ है, ये हर सपना आने वाले समय में यहाँ पे डुप्लीकेट करता है अपने सोच के ऊपर। इस चीज को समझना है, क्योंकि 100% यहाँ पे क्लियर होने वाला है। और सबसे बड़ी बात, अलेक्सा ने इतना ही बोला है, जो ट्रोन ब्लॉकचेन के ऊपर हम इस PLSU को फिर वापस लेके जाएंगे, और आने वाले 5 साल में उसके जो भी 5 साल कंप्लीट करेंगे, वो 5 साल में आप देखेंगे एक PLSU जो नया वाला रहेगा, जो ट्रोन ब्लॉकचेन के ऊपर काम करेगा, वो एक कॉइन आपको 10 बिटकॉइन के हिसाब से काम आपको देखने को मिलने वाला है। बिटकॉइन का रेट क्या रहेगा पता नहीं है, लेकिन एक कॉइन आपको 10 बिटकॉइन के बराबर रहने वाला है। तो ये इतनी छोटी स्ट्रेटजी नहीं है, इतनी छोटा प्लेटफॉर्म नहीं है जो आप सोच रहे, और जिस हिसाब से आप सोच लेके चल रहे हम बर्बाद हुए, हमको नुकसान हुआ, हमको बहुत सारा लॉस हो रहा है, ये सोच को सारी सिर्फ आपको बदलना है। अभी हम कुछ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन कुछ करेंगे तो बहुत कुछ होने वाला है। इस चीज को समझना है, सिर्फ समझ के लेना है और आगे बढ़ना है, और ये सिस्टम के साथ आगे अगर जाएंगे तो आपका हर सपना अपना खुद का, अपना फैमिली का, और अपने आजू बाजू का सब लोगों का यहाँ पे आप अपडेट कर सकते, पूरा कर सकते। इतनी सिक्योरिटी अपने मिस्टर अलेक्सा अपने सामने आके अगर सबको बोल रहे, तो 100% मेरे 5 साल से इनके साथ हूँ,
जो भी हिसाब से बात कर रहे हैं वो हिसाब से सही में आगे वाला जो भी सिस्टम है बहुत अच्छा रहने वाला है। साथ साथ जो यक्ष स्वाइन के बारे में अगर जो विड्रॉल की जो लोगों का कंफ्यूजन चल रहा है, मैं आपको एक घर का राय दे रहा हूँ। आपको एक लीडर हिसाब से है अपने बीच में, आप हमेशा मैं आपके सामने रहा हूँ, आप लोग अगर मेरे को सुनते हैं तो मैं इतना ही बोलूंगा, सिर्फ एक हफ्ता दो हफ्ता बहुत हो गया ये सिस्टम को अच्छे लेवल पे आने के लिए। सिर्फ एक हफ्ता दो हफ्ता बहुत हो गया, एक बार अगर ये जनवरी लास्ट तक ज्यादा से ज्यादा ये सिस्टम एक बार स्वप्न हो जाएगी और आने वाला समय जो रहेगा तो आप सोचेंगे क्लिक करने के बाद आपको पूरा जुड़ाल मिलेगा। ये चीज को समझना है, विद इन सेकंड इतना अच्छा फास्ट काम होने वाला है आने वाले कुछ समय के अंदर, एक हफ्ता दो हफ्ते के अंदर, क्योंकि उस हिसाब से वहां पे उस लेवल पे, क्योंकि टेक्निकल पार्ट है, टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लेटफॉर्म होने के कारण इसको थोड़ा सा समय जा रहा है। लेकिन जैसे भी ये समझ कंप्लीट हो जाएगा, जैसे आपका गाड़ी खराब हुआ है आप रास्ते में जा रहे, रास्ते में जाते जाते रास्ते में जा रहे तो गाड़ी हम जब चलाते हैं तो वो 80 से भी स्पीड से भी चलती है, 100 से स्पीड से भी चलती है, उसके साथ साथ अपने रोनी सर आ चुके हैं, 2 मिनट में हम उनसे उनके भी बात करेंगे, 2 मिनट में क्लोज करता हूँ फिर हम कंटिन्यू करेंगे। तो हाँ, तो यहाँ पे जो हम एग्जांपल में दे रहा था, तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि हम जैसा अगर गाड़ी में रास्ते से गाड़ी में जा रहे हैं और हम वो गाड़ी जब अच्छी चल रही है, गाड़ी में कुछ खराबी नहीं है, तो हम 80 से स्पीड से भी चल सकते हैं, 100 से स्पीड से भी चल सकते हैं और उसको 150-200 से स्पीड से भी चल सकते, जैसा सर ने उस टाइम बताया था आपने को, उसी तरह अगर हम सब कर सकते हैं। लेकिन तो उस हिसाब से हम जब रास्ते में क्लियर अगर गाड़ी चल रही है उसमें कोई दिक्कत नहीं है तो अच्छी तरह से सफर कर सकते हैं, लेकिन अगर उसमें कुछ खराबी हो जाती है तो हमको उतना वेट करना पड़ेगा, हम कुछ नहीं कर सकते। उसी तरह यहाँ पे कंपनी का जो अपडेशन चल रहा है, कुछ चेंजेस हो रहा है, उसके वजह से थोड़ी सी दिक्कत है। वो एक बार अगर अपना टेक्निकल टीम अगर कंप्लीट कर देती है, जो उन्होंने जो बताया था 2 हफ्ते से लेकर 4 हफ्ता, हमारा लगभग दूसरा हफ्ता खत्म हो चुका है, अभी अपने पास और 2 हफ्ते बाकी है, यानी ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता या 2 हफ्ता, इससे ज्यादा इसमें समय नहीं लगने वाला है। लेकिन फिर भी 18 तारीख का अपना क्लोजिंग चल रहा है, उससे पहले कुछ ना कुछ अच्छा अपडेट मिलेगा और उसमें कोई ना कोई ऑप्शन आपको क्रिएट करके मिलेगा जो आप वहां पे एक स्वयं को यूटिलाइज कर सकते हैं और हम इसके माध्यम से क्लोजिंग अच्छी तरह से कर सकते हैं और बाकी बचे हुआ 1 हफ्ते में सब चीजें कंप्लीट हो जाएगी और सिस्टम अपना सॉफ्ट काम करना स्टार्ट करने वाली। तो थोड़ा सा भरोसा रखो, अगर इतने साल इतने दिन से अगर हम लोगों ने भरोसा किया हुआ है, बहुत सारे लोगों ने अभी विड्रॉल 3-8 महीना 7 महीना 6 महीने से विड्रॉल तक नहीं लिया है, सिर्फ वेटिंग कर रहे, तो अभी ये लोगों के लिए मेरा कहना इतना रहेगा, सिर्फ अपने को 1 हफ्ता या 2 हफ्ता वेट करना है, उसके बाद ये प्लेटफॉर्म पूरा सॉफ्ट तरह से काम करना स्टार्ट करेगा। नेक्स्ट महीने में ये अपना फंक्शन के हिसाब से काम करना स्टार्ट करेगा और मार्च महीना हम थकेंगे, इतना अच्छा बिजनेस यहाँ पे जनरेट होने वाला है, इस चीज को आपको समझना है। तो सबसे पहले बात मैं यही बोलूंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो, अभी बाकी की बातें थोड़ा सा मैं फिर वापस आपके बीच में लेके आऊंगा। अभी ऑलरेडी रोनी सर आ चुके हैं, उनके साथ हम बात करेंगे, उनके माध्यम से कुछ गाइडलाइन हमको मिलेगा, तो उसी हिसाब से पहले उनको समझ के लेते हैं, सुनते हैं और बाकी फिर मीटिंग हम कंटिन्यू करते हैं। आप ट्रांसलेट करो। हां ऑफ कोर्स, आई विल जस्ट सी। रोनी सर को वेलकम करो। थैंक यू। तो ऐसे चलो। तो हमारे बीच रोनी सर आ चुके हैं अभी, तो हमारे बहुत ही टॉप लीडर है यहाँ के, सो अभी हम उनको लाइव लेते हैं, आप उनको सुनिए, मैं यहाँ पे ही हूँ, मैं आपको उनके साथ डेफिनेटली गाइड करूंगी। सो रोनी सर, आई वेलकम यू फॉर इन द शो। ओके ओके ओके। यस, हेलो एवरीबॉडी एंड थैंक यू वेरी मच राजेंद्रा फॉर इनवाइटिंग मी। Yes, hello everybody and Rashida, thank you very much for inviting me here to your house. Yes sir. तो सर बोल रहे हैं कि अभी तो सर ही इज वेरी, मतलब सर बहुत ही ग्लैड है कि आप सबके बीच में अभी सर आ चुके हैं, और प्लीज कंटिन्यू सर। इट्स अ प्लेजर फॉर मी टू बी हियर टुडे एंड सी सो मेनी पीपल कनेक्टेड इन योर ज़ूम कॉल।
वो बहुत ही खुश है कि इतने सारे लोगों को अभी देख रहे हैं कि हमारे साथ जुड़े होने के लिए. अब अभी हम देख सकते हैं 411 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं. वो बहुत ही हैरान है इसके लिए कि I was in the last days, every day in the office, and I was talking to Dirk, and I was also talking to Alex on the telephone, and there are some really, really exciting things coming. तो सर रॉनी सर हमें ये बोल रहे हैं कि उन्होंने एलेक्स सर के साथ उनकी मीटिंग हुई थी जहां पे एलेक्स सर के साथ उनका डिस्कशन हुआ है कि कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज लेके वो हमारे सामने अभी कुछ ही दिन में आने वाले हैं. जैसे कि राजेंद्र सर जी हमें बार बार वही बता रहे हैं कि पेशेंस रखने के लिए. तो आगे हम रॉनी सर को सुनते हैं. एंड वी विल ऑब्वियसली वी आर ऑल वेरी एक्साइटेड बिकॉज़ इन अ फ्यू डेज वी विल हैव आवर न्यू इवेंट हियर इन द अटलांटिक सिटी. तो रॉनी सर ये बोल रहे हैं कि अभी जो हम लोग का अटलांटिस होटल में अभी जो हम लोग हमेशा ही बात कर रहे थे सेवेंथ भारत की जो कन्वेंशन हमारे पास अभी जो होने वाला है उसके लिए हम सब बहुत एक्साइटेड हैं और सर भी बहुत एक्साइटेड हैं. उसी के बारे में हम आगे राजेंद्र सर जी हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देंगे. तो आगे हम सुनते हैं रॉनी सर को सर क्या बोलना चाहते हैं. And Alex is working very, very hard to have our own exchanger and to have also our own exchange and also in the back office to have some different exchangers so we can change everybody very quick the coin. तो सर हमें ये जानकारी दे कि एलेक्स सर बहुत ही हार्ड वर्क कर रहे हैं अभी जो हमारे खुद के जो एक्सचेंज हुए उसके लिए सर बैक ऑफिस में बहुत सारे ऐसे कुछ चल रहा है. बहुत ही हार्ड वर्क कर रहे हैं एलेक्स सर जहाँ पे हम लोग आगे हमारे खुद के वो खुद के कॉइन्स हो सके और मार्केट में हम मतलब बहुत ही बड़ी धमाल होने वाली है. आप सबको बस सुनना है आगे. Sir, please continue. So this year will be very, very, very exciting. This year we have a lot of opportunities. We have a lot of work to do, but I'm sure that this year will be the best year of our lives. So, sir, sir, हमें ये बोलना चाहते हैं कि आगे आगे बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है ये साल क्योंकि ये साल में बहुत ही ऐसे कुछ है जो एलेक्स सर अभी काम कर रहे हैं जिसके बारे में हमें जानकारी धीरे धीरे मिलती रहेगी. एंड आई थिंक इन द नेक्स्ट 60 डेज इन द 60 डेज अंटिल वी हैव दिस इवेंट वी हैव टू गिव ऑल द पावर दैट वी हैव टू मूव एवरीथिंग वी हैव टू डू कॉल्स वी हैव टू डू व्हाटएवर यू कैन डू to achieve the highest rank until to come to the event. तो रॉनी सर हमें ये बोल रहे हैं कि अभी जो हमारे पास जो 60 डेज है उसमें हमें हम सबको जुड़े रहना है और ऐसे साथ में जुड़े रहना है कि आगे हम कुछ अचीव कर सके और थोड़ा सा जानकारी दे एक दूसरे के. सर यही बोलना चाहते हैं कि जब हम दूसरे को जानकारी देते हैं हम जुड़े रहते हैं और अगर हमें जानकारी नहीं है तो हम और हमारे जो लीडर्स हैं उनके साथ भी जानकारी ले और जो जितने प्रॉब्लम्स हैं हमारे साथ हमेशा राजेंद्र सर जी जुड़े हुए रहते हैं. आई विल ऑल्सो स्टार्ट सम न्यू lines in my organization. I will start some with new partners, so I will not just tell you hey work hard. I will also work very, very hard because I know we have a huge opportunity. सर ये बोल रहे हैं कि सर सिर्फ ये साल सर भी अपना नया वेंचर स्टार्ट करें मतलब नए लोग के साथ काम करना स्टार्ट करें जहाँ पे हर दिन वो ये कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों तक और दूसरी जानकारी पहुंचा पाए. जो मार्केट में जो भी इंफॉर्मेशन नहीं है हम पूरी कोशिश करेंगे. रॉनी सर ये बोल रहे हैं कि वो पूरी कोशिश करेंगे हम आप तक सारे जानकारी पहुंचाए. एंड इमेजिन वी हैव अ कंपनी दैट इज मोर देन 6 इयर्स ऑन द मार्केट. वी हैव अ प्रोडक्ट दैट इज वेरी वेरी हाई बेनिफिट्स पेइंग एंड वी हैव अ मार्केटिंग प्लान दैट पेज सो मच कमीशन लाइक नो अदर कंपनी. सो वी हैव एवरीथिंग टू बी सक्सेसफुल. सर ये बोल रहे हैं कि जो हमारी कंपनी है मतलब जो अभी हमें पता है कि 6 साल से हम मार्केट में हैं और जिस हद तक जिस मुकाम तक हम आगे पहुंच चुके हैं इस 6 साल में और मार्केट में रह के सब कुछ को सारे बिटकॉइन को मतलब कौन से भी कॉइन्स को हम कॉम्पीट करके यहाँ तक जो पहुंचे हैं और आगे हमें सक्सेसफुल होने के लिए कोई नहीं रोक सकता. So I'm sure everything what Alex is doing, everything, the strategy, the plan, what he is creating in his mind,
will be absolutely successful, and like this, everybody of us will be successful. सर ये बोल रहे हैं कि हम सभी धीरज रखिए और एलेक्स सर जो हमारे लिए जो उनके जो प्लान्स हैं जैसे कि राजेंद्र सर जी इतना बिलीव करते हैं, रॉनी सर भी सेम बोल रहे हैं कि आप बिलीव कीजिए हम सभी सक्सेसफुल होंगे, बस हमें थोड़ा सा समय चाहिए, इस समय के अंदर सब कुछ हो जाएगा. आई विश यू वेरी वेरी मच सक्सेस एंड आई रियली रियली रिकमेंड यू यूज दिस अपॉर्चुनिटी, यूज दिस गुड प्रोडक्ट, use the tools that we have and make 2023 the best year of your life. Ronnie sir hame ye bolna chahte hai ki ye saal mein aapke paas jitne aap invest kar chuke jitna aapko knowledge hai har cheez ko leke aap vishwas rakhiye aur 2023 sirf ek hi saal jaise ki hame rajendra sir ne bhi hame bola tha ki alex sir ne sirf ek hi saal manga hai to ye bhi hame same cheez keh rahe hain Ronnie sir ki ek hi saal hai और एक ही साल में हम सब सक्सेसफुल होंगे इतना बिलीव तो जरूर करना चाहिए. थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू सर. थैंक यू हम सभी रॉनी सर को थैंक यू बोलना चाहते हैं क्यों हम अपने बिजी शेड्यूल में से भी हमारे साथ जुड़े रहे. सो हेड ओवर टू पूरा करने का हम वादा करके वर्क करके ऐसे सर ने क्लियर बता दिया है तो उसमें से भी खत्म होने वाला आ चुका है. आने वाले समय में एक एक महीना ऐसा निकलता जाएगा लोग पैसे भी जमा करना स्टार्ट करेंगे. जैसा कुछ लोगों ने अभी 6 महीने 7 महीने 8 महीने से अगर कोई रूरल तक नहीं किया था क्लासिक का रूरल कम से कम छोटा सा ही लेकिन उनके रूरल अभी हाथ में आना स्टार्ट हो चुका है. ये चीज को आपको समझना है और ऐसा हर महीना अभी धीरे धीरे आता रहेगा और हर साल उसको बढ़ता रहेगा और साथ साथ कंपनी उसके साथ और भी कुछ नया अटैचमेंट लेके आ रही है जो अभी सर ने भी बताया मुझे भी सर को सर को पता था लेकिन मैं अभी पहले नहीं बताना चाहता था क्योंकि क्या है जो सक्सेस सीरीज पूछी उसको पहले इस लोग नहीं कर सकते. मैं इतना ही बोलूंगा कंपनी हमारी कंपनी के लिए हमारे सब लोगों के लिए बहुत कुछ अच्छा लेके आ रही है. सिर्फ हमको जुड़े रहना है साथ में चलना है अलग सर को छोटा सा अपने को सपोर्ट करना है कंपनी को सपोर्ट करना है हमारे टीम को सपोर्ट करना है और आगे बढ़ना है. उसके बाद अपना जो एक स्वयं के बारे में मैं बता रहा था जो आज इस हिसाब से आपको विड्रॉल वगैरह सब सॉफ्ट हो जाएगा और आने वाले समय अपने लिए इतना बड़ा काम करने वाला है कि हम सोच नहीं सकते. जितना अपना दिन खराब हो चुके जैसे अभी 6-7 महीने से हम पैनिक पे चल रहे थे अभी कुछ चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से हम थोड़ा पैनिक चल रहे लेकिन आने वाले समय में जैसा ये सब पूरा जो टाइम अपना खत्म हो चुका है जो नुकसान हो चुका है वो सब यहाँ पे रिकवर होने वाला है 2023 और 2024 में क्योंकि इतने हिसाब से सॉफ्ट काम करने वाला है क्योंकि हमारा आज जो मार्केट में निगेटिव थी वो सब अगर एक बार कन्वर्ट हो जाएगी उस सब जगह अगर यहाँ पे सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा फिर हमको कोई भी मार्केट में नहीं रोक सकता क्योंकि हम जो दे रहे जो दुनिया में कोई भी नहीं दे रहा इस चीज को समझना है. जो अलग सर अगर आपने कम्युनिटी को दोनों तरफ से एक्टिव इनकम पैसिव इनकम दोनों को भी सर जितना दे रहे वो दुनिया में कोई भी कंपनी नहीं दे रही है और ना देने वाली इस चीज को आपको समझना है. यही कारण हम आज भी नंबर वन पे और हमेशा हम नंबर वन पे रहने वाले इस चीज को आपको समझना है और सिस्टम के साथ जुड़े रहना है और आगे बढ़ना है. हमारा सबका भविष्य मिस्टर अलेक्स सर के माध्यम से पीएलसी ग्रुप के माध्यम से सही में बहुत ब्राइट बनने वाला है इतना ही बोलता हूँ और आज के लिए मैं यहाँ पे रुकता हूँ. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. उसके बाद अभी हम थोड़ा सा अपना जो इसके बारे में बात करेंगे 2 मिनट के कन्वर्जन के बारे में जैसे अपना 4 मार्च को जो बड़ा प्रोग्राम बनने जा रहा है उसके लिए हमने जो बहुत सारा प्लानिंग किया हुआ है वो प्लानिंग को सबको फॉलो करना है और बहुत शॉर्ट पीरियड में क्योंकि यहाँ पे एक ध्यान रखना है हम होटल अगर एक नहीं मिला तो दूसरे को हम अरेंज कर सकते हैं तीसरे को हम अरेंज कर सकते हैं लेकिन ये टाइम हम जो टूर अरेंज कर रहे हैं वो अगर हम एक के साथ अगर कर रहे हैं यानी क्रूज के साथ अगर कर रहे हैं तो वो एक ही है ये चीज को समझना है.
और उसके बुकिंग दिन में दिन चल रहे, तो एक बार अगर हमको कुछ बुकिंग अगर नहीं मिले, कुछ लोगों का बुकिंग अगर नहीं बना, तो वो लोगों को हम उसमें नहीं लेके जा सकते। इस चीज को समझना है, क्योंकि अपन उसको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे हमारा टाइमिंग जो है फिक्स है। जैसा एक तारीख को हम वहां पे एंट्री करेंगे, एक तारीख, दो तारीख, तीन तारीख, उसके बाद चार तारीख को हमको क्या करना है, फंक्शन है, और उसके बाद फिर वापस हमने को बाकी काम है। इसलिए वो जो टाइमिंग हमको मिला हुआ है वो टाइमिंग फिक्स हुआ है, क्योंकि उसका पहले से बुकिंग रहता है, ज्यादा बुकिंग नहीं मिलने वाला है। तो हमको दो तीन दिन है हमारे हाथ में, तो दो तीन दिन के हिसाब से अगर बात करेंगे तो हमको दो तीन दिन में ये सब चीजें क्लियर करनी है, सबको ये समझना है। मैंने सबको बोला है पेमेंट गेटवे सब जगह से खुला हुआ है, हम कुछ भी दे सकते हैं, कोई भी पेमेंट गेटवे दे सकते हैं। जैसा जो अपना अगर बात करें क्लासिक दे सकते हैं, उसके बाद अगर बात करेंगे हम जो एक्स कॉइन को दे सकते हैं, उसके बाद हम पीएलसी को दे सकते हैं, डॉलर दे सकते हैं, यूरो दे सकते हैं, उसके बाद अगर बात करेंगे हम जो करेंसी अपनी वो करेंसी दे सकते हैं, कैश दे सकते, सब जगह आपको खुला कर दिया है। और उस हिसाब से हम इसको कन्वर्ट करना है, और अपने अपने ग्रुप के साथ उसको जल्दी से जल्दी क्लियर करना है, इस चीज को समझना है। बहुत सारे लोग इधर उधर के मैंने वो भी मेरे को इधर उधर से कॉल भी आ रहे, तो मैं वो यही बोलूंगा आप कहीं से भी करो लेकिन टाइम पे करो, क्योंकि दो चीजें, या पे जो हम हमारे साथ जो अगर आना चाहते उनके लिए हम जो क्रूज का अगर काम कर रहे हैं तो वो एक शॉर्ट टर्म में रहेगा, और दूसरी बात एक कंपनी की तरफ से भी जो बातें चल रही है वो भी लिमिटेड लोगों के लिए रहने वाली है, क्योंकि हमारा जो हॉल है वो बहुत शॉर्ट हॉल है, 2500 से ज्यादा लोग वहां पे नहीं बैठ सकते। हम बहुत सारे लोग वहां पे चले जाके आए, उसके वजह से वो क्रिएटर है। तो उसके बाद अगर बात करेंगे तो इससे हिसाब से अगर बात करेंगे तो यहाँ पे जो भी बातें हम बता रहे, क्योंकि कंपनी की तरफ से जो हम बहुत सारे लोगों ने वहां पे उस हॉल में अभी दो बार तीन बार चले गए हुए, जहाँ पे हमें कंपनी जो फार्म होटल में हमारा कंपोनेंट होने जा रहा है, वो हॉल हम बड़ा नहीं कर सकते या बड़ा के हमारा ये नहीं, ये समझना है, क्योंकि वो फिक्स है, तो उसके हिसाब से उससे ज्यादा वहां पे लोग नहीं बिठा सकते, तो ये चीज को भी समझना है। तो इसीलिए ये सब चीजें जिसको भी सही में अगर मन से लगता है कि मुझे वहां पे जाना है तो उसके लिए वेट नहीं करना है, जितने जल्दी से जल्दी आपका सीट बुक करना है, जल्दी जल्दी अपना पैकेज बुक करना है, कहीं से भी करो लेकिन जल्दी करो, इतना ही बोलूंगा। हमारा जो पैकेज है उस पैकेज में 80,000 का जो पैकेज बना है उसका जो जो क्रूज के साथ हम लेके जा रहे हैं उसका वीडियो में अभी दो मिनट के लिए आपको दिखाऊंगा, फिर वापस हम बात करेंगे कौन सा ट्रिप रहने वाला है वो आपको पता चलेगा, क्योंकि वर्ल्ड का नंबर वन ट्रिप है जो 21 माले का, ये ध्यान रखने का, 7-स्टार फैसिलिटी आपको वापस मिलने वाली।
ने देखा होगा, कि यहाँ पे इतना बड़ा, यानी एक पूरा गांव बैठ सकता है इतना बड़ा उस सीट पे, 5-6 हजार प्लस लोग वहां पे बैठते हैं, लगभग 2-3 हजार रूम्स उसके अंदर है, पूरा सिटी जैसा वहां पे, पूरा जो हम शॉपिंग कर सकते हैं, सब चीजें घूम सकते हैं, वहां पे स्विमिंग पूल है, सब चीजें वहां पे आपको सब देखने को मिला है। यानी हम 3 नाइट्स उसमें रहने वाले और 3 नाइट्स हम दुबई में रहने वाले, यानी ऐसे टोटल 6 नाइट का अपना प्रोग्राम बना हुआ है, 6 नाइट 7 डेज का। तो 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक हम ये पूरा टूर बना रहे, और बना रहे तो बना दिए है, जिसको वहां पे आना है, बहुत सारे लोगों का बुकिंग ऑर्डर हो चुका है, लगभग मेरे नाम पास अभी 3 दिन में 43 लोगों का बुकिंग ऑर्डर आ चुका है, ये सच्चाई है, मैं आपको ऐसे नहीं कुछ बता रहा हूँ, तो ये सच्चाई है, 43 आ चुका है, मैं 200 लोगों का कैलकुलेशन बताया है, उससे ज्यादा जो भी लोग रहेंगे आपने अपनी टीम के साथ अपना आप जा सकते हैं, और अपने हिसाब से उसका जो टूर है या अपना जो फंक्शन है वो अटेंड कर सकते हैं। इस चीज को आपको समझना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें उसमें दी हुई है, जैसा मैंने सब ग्रुप में मैसेज भी दिया हुआ है, वीडियो फाइल मैंने सेंड कर दिए हुए सब चीजें, ये 2-3 दिन के अंदर जो भी लोग आएंगे उसके लिए ये अपॉर्चुनिटी रहेगी, नहीं तो फिर अपना रेगुलर जो पैकेज है 70,000 का, उसमें आप जैसा रेगुलर दुबई आते वैसे आप आ सकते हैं, एंजॉय करके जा सकते हैं। तो एक अपॉर्चुनिटी है ये, अपना मैंने हर टाइम बोला है कुछ ना कुछ नए लोगों को देने का कोशिश करूंगा, जैसा लास्ट टाइम हमने दिया था हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर राइड दिया था, ये टाइम पे हम और कुछ दिया, अलग दिया। तो ये चीज को समझना है, और ये प्लेटफॉर्म के साथ आपको आगे आना है या ये पैकेज के साथ आपको आगे आना है, तो 2-3 दिन के अंदर ये आपको सब पूरा जो पैकेज है वो कम्प्लीट करना है। तो इसी के साथ मैं यहाँ पे अपना मीटिंग के लिए मैं यहाँ पे रुकता हूँ, अभी हम किसी का अगर सवाल जवाब रहेगा तो उसके ऊपर बात करेंगे, जो हैंडल्स करेंगे उसको एक एक करके हम ये करेंगे, पहले जो पुराना हैंड है सब पूरा पूरा क्लोज करो, फिर मीटिंग के लिए जो भी लोग हैं उनके लिए एक एक करके दे, ठीक है, एक बार हैंडल्स क्लोज करो और जो सूत्र वापस नए ऐसे करेंगे उनको ले लो। ओके अभी जो अभी आ रहा है सामने से एक एक करके सर, अभी अनाउंस के लिए की हैंडल्स करें, क्वेश्चन करें नहीं तो किया ना, बहुत सारे निखिल निखिल सर ने किया हुआ है, निखिल सर आपको अनम्यूट किया है, निखिल सर को अनम्यूट करें, ठीक है, के यमरड आप बात कर चुके तब तक। सर मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप अपना क्वेश्चन सर के सामने रख सकते हो। यस सर। जी मैम हाँ बोलिए। हाँ क्वेश्चन अभी अपने ट्रिप के बारे में चर्चा की, सर आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम है शायद, नेटवर्क अच्छी तरह से सर ये नहीं दे उसकी चार्ज। सर आपको हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर मैं ये कह रहा था अभी जो ट्रिप के बारे में जिक्र हो रहा है दुबई ट्रिप का, उसकी चार्जेस क्या लगेंगे सर हम लोगों को या जो नए लोग आ रहे हैं उसके लिए? 80,000 बोला ना सर मैंने, पीडीएफ दिया है सब लोगों को ना, 80,000 रुपीज। अच्छा, ये कब तक करना है सर? ये 2-3 दिन के अंदर करना है सर, क्योंकि जैसे भी 200 लोग हो जाएंगे उसके बाद वो अपने को अलग पैकेज जो 70,000 है उसमें जाना पड़ेगा। जी ठीक सर, ओके। हेलो सर, मैं दीपक बात कर रहा हूँ सर। ओके हाँ सर, मेरा आपको एक क्वेश्चन है सर, आर यू वंडर की तरफ से, क्योंकि आज मुझे बहुत सारे कॉल आए, वो बोल रहे कि मिस्टर राजेंद्र उपाध्याय को रिक्वेस्ट करो कि 200 पीपल नहीं उधर 500 करो, क्योंकि सब टीम सर बाकी लोग सर वो बात नहीं, आप दीपक आपने को वहाँ पे बुकिंग तो मिलना चाहिए ना, जहाँ पे सिर्फ आप बुक करे वो तो वहाँ पे बुकिंग तो होना चाहिए ना, आपने को टूर के लिए 1,000 लोग लेके आ सकते हैं, लेकिन जो शिफ्ट की बात करें इसलिए तो अपन 2 पैकेज इसलिए लोगों को दिया हुआ है, कि जो 200 में आएंगे वो वहां पे जाएंगे, जो 200 में नहीं आएंगे उसको 70,000 का पैकेज जो दिया है उसमें आना पड़ेगा, क्लियर बात है, वहां पे हम 500 भी लोग लेके आएंगे लेकिन वो इस हिसाब से आना पड़ेगा, लेकिन हम 500 लोग इसलिए नहीं आना चाहते क्योंकि ज्यादा लोग लेके आने से क्या होता है सर्विस के लिए प्रॉब्लम हो जाता है, तो हम ये टाइम पे 200 लोगों का टूर हैंडल करेंगे, बाकी अपने अपने ग्रुप अपने अपने लेवल पे हैंडल करेंगे, क्लियर बात है यहाँ पे। ओके सर ठीक है, यस अभी है। निखिल सर आप अपना वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। निखिल सर मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप सर के साथ बात कर सकते हो। सर मेरा मैं औरंगाबाद से हूँ, मेरे टीम लीडर है संतोष पवार। यस आवाज आ रही है सर?
हाँ सर, आज तो मैं सबको लिए इतना बोलूंगा, रोनी सर अपने गेस्ट के हिसाब से अपने घर पे आ चुके हैं, तो जो भी लिमिटेड क्वेश्चन रहेंगे, जो भी लोग रहेंगे, अपने एक 5 या 10 लोगों का लेंगे, उसके बाद आज के लिए अपन क्लोज करने वाले, ध्यान रखना। तो फटाफट जो भी अपन बात करते हैं सर, मेरे 4 से 5 क्वेश्चन है आपके इसके लिए। अल्टिमा मैंने फॉर्म लिया था सर, 2, 1, 10 का, 55 का और 1, 11 का। Yes. उसमें मैंने कॉइन डाले 2.5 से 3 लाख के। Yeah. तो अभी उसकी वैल्यू है सर, मेरा 1-10 के फॉर्म का वैल्यू है कॉइन का, एक कॉइन बन रहा है मेरा, तो मैंने 2.5 लाख और 1-10 लाख, 1,10,000 रुपए डाल के अब मेरा वैल्यू कितना बन गया, 25,000 रुपए। ओके, तो मेरा कुछ भी फायदा नहीं होना सर, 25,000 रुपए हाथ में आ रहे, पूरा एक कॉइन मिला के। सर आप तो मीटिंग सुनो, मेरे बात आज मीटिंग में पहली बार आया आप? नहीं सर, मैं इसके पहले कल की मीटिंग कर चुका हूँ, परसों की दिन मीटिंग में नहीं था, तो यूट्यूब पे सुन लिया आपका। सबका सवाल का जवाब मैंने ऑलरेडी ये सब मीटिंग में दिया हुआ है ना सर, इसलिए बोल रहा हूँ मैं, बाकी कुछ नहीं, क्योंकि सबको सवाल का जवाब दिया है मैंने। तो ये क्या हो रहा है और कैसा हो रहा है, कंपनी ने, सुनो मेरी बात, ये कंपनी ने वैल्यू नहीं किया, ये मार्केट ने किया है, कंपनी अपने को रिकवर करने का मौका दे रही है, इसी को समझना है। सुनो ना, अभी बाइनेंस पे लाने के लिए अपन ने अल्टिमा एमएलएम से हटा दिए, फिर बाद में सुनो ना मेरे पास सर, अगर आप लगातार जर कंटिन्यू मीटिंग में है ना सर, ये सब चीजें के ऊपर बातें हो चुकी है। नहीं, नहीं, सर ये वो दूसरे के क्वेश्चन है, ये मेरे खुद का क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन लिख के रखे वाले, मैं तो वो उसके लिए डिस्कस करना चाहता हूँ आपसे। कि मेरा बोलना है कि आपने पहले अल्टिमा लाया, अल्टिमा का फॉर्म बेचे, फिर बाद में एक महीने नहीं लाया सर, पहली बात आपको ये क्लियर करना है, कंपनी नहीं लाया। सुनो सर, कंपनी ने लाया फॉर्म, फिर बाद में बोले तुम ये कॉइन, एक जो कॉइन आए वाले अभी तुम्हारे पास अल्टिमा के, उसको कन्वर्ट करो, उसका फॉर्म ले लो एक्स का। फिर तुम आप बोल रहे हो एक्स का भी फॉर्म लो, पहले बोले पीएलसी अल्टिमा का भी कॉइन लो, फिर आप बोल रहे हो आप स्वैप भी मारो, तीनों बात बोले। तो सर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप का राय दे रहा हूँ, आपको उसमें से क्या लेना है वो आपने को रखा रहा है, ये ध्यान रखना। मैंने आपको पहले लिया, आपको क्लासिक के लिए क्या, सुनो मेरी बात, क्लासिक के लिए मैंने क्या दिया, एक एक को आपको क्लियर करते, एक एक क्वेश्चन को क्लियर करते, तो मैंने पहले क्लियर करके दिया आपको, क्लासिक से आपको 3 ऑप्शन है, एक तो आप तुरंत जब चाहे तब कैश कर सकते, होल्ड कर सकते, नहीं तो कंपनी का जो नया आपने जो प्लेटफॉर्म दिया हुआ है उसको स्वैप कर सकते, ये 3 ही ऑप्शन है उसके लिए। लेकिन उसको और मल्टीप्लाई अगर आपको करना है तो जाने के लिए बात कर रहा हूँ, जिसको जाना है उसके लिए, सबके लिए नहीं। सर सुनो ना, मेरा 6 महीना हो गया मेरे को कॉइन आ रहा है, तो मेरा अभी हाफ कॉइन मिल गया है मुझे अभी तक, बोले तो 0.5, तो मेरे को इतना कॉइन मिला है, उसकी वैल्यू अभी 12,500-13,000 रुपए होंगी अब। हाँ, तो और आधा कॉइन लेना है तो मुझे 12,500-13,000 रुपए और डालना है, और उसका एक आपको लेना जरूरी नहीं है, अगर लेना चाहते हैं आपको अच्छा पैसा बनाना है तो की बात है, ये चीजें आपको समझना है, जो बातें कर रहे हैं ना उसको। मैंने सुनो ना सर, मैंने इसीलिए कंपनी क्या दिया है, 0.1 भी दिया, 0.2 भी दिया, 0.5 भी दिया, वो ऑप्शन क्यों दिया है, जिसको जैसा कॉइन रहेगा वैसा वो क्या सकता है, उसको जबरदस्ती नहीं आपको ऐड करना जरूरी, करेंगे तो फायदा रहेगा, ये मैं आपको राय दे रहा हूँ। हाँ ना, और दूसरी बात क्या है सर, अभी मैंने 1-10 का फॉर्म लेके 2.5 का कॉइन डाला, 1.5 का कॉइन डाला उसमें 1.5 लाख रुपए का, तो मेरा टोटल होगा 2.5 से 3 लाख, अभी उसकी वैल्यू सर 25,000 रुपए हो गई ना सर। वो वैल्यू आपकी अकेले की नहीं हुई है, सबकी हुई है, मेरी भी हुई है, आपकी भी हुई है, और बाकी जो कमेटी उनकी लिए, उसी लिए तो हम ये मीटिंग करके हमको समझा रहेगा, ये करेंगे तो ऐसा रहेगा, अच्छा रहेगा, ये बोल रहा हूँ। ये मार्केट वैल्यू सर, इसको आप नहीं बोल सकते, जैसे बिटकॉइन अगर किसी ने $70,000 में लिया है, उसका वैल्यू भी कम हुआ है, नहीं हुआ है सर? सही हुआ है, हुआ है। तो दूसरी बात क्या है, जब कॉइन 10,000 या 12,000 पे था ना, तब आप खुद मीटिंग लेके खुद कुछ मैसेज करके आपने बोला है कॉइन बेचो मत, संतोष सर ने भी मेरे को, संतोष पावर सर ने भी मुझे बोला था कि कॉइन होल्ड रखो, बेचो मत, उसका बहुत मल्टीप्लाई होने वाला है। तब से सर मैंने अभी तक इतने तो मैं क्या बोला, आपने वही समझ रहा, आपको आपने कॉइन कितना लगाया, टोटल कितना लगाया, पूरा एक कॉइन लगाया वाला है सर, पूरा एक कॉइन ही गिना अपना, अभी पूरा एक कॉइन है, उसमें से आधा आपके पास आया है, आपको कितना महीना हुआ है? 6 महीने। हाँ, 6 महीने में आधा कैसा आया, बाकी का कॉइन कैसे, क्या क्या है आपने, अभी आएंगे ना सर वापस, और बाकी है ना मेरे 6 महीने सर, ऐसा नहीं है ना, आपने अगर एक कॉइन लगाया ना तो 6 महीने उसका 3 कॉइन आना चाहिए था ना सर,
तो बाकी कॉइन किधर गया, राई कॉइन? नहीं नहीं सर, मेरा 1.10 का फॉर्म था, उसमें से एक मम्मे को 0.5 कॉइन आए वाला है अभी। हाँ तो आपको ऐसा बोलो ना, ये कॉइन आया नहीं बोलो ना, ये कॉइन 1.10 के फॉर्म में ये कॉइन बैठते नहीं ना, तो आपने ये कॉइन कहाँ से लिया? नहीं नहीं नहीं, 55 का भी फॉर्म है ना सर मेरे पास, 11 का भी तो फॉर्म है। स्कूल मिला के बात कर रहा हूँ सर आपसे ना, आपका फॉर्म कितने का ये पूछा ही नहीं मैंने, आपने कॉइन कितना रखा है और उसका अभी तक कितना हुआ यही पूछा मैंने आपने सीधा सीधा ना। अभी वो जितना बैठता है उसमें उतना रखे वाला है, वो कितना बैठता है मुझे मालूम नहीं, पर मैंने 2.5 लाख का कॉइन रखा है। एग्जांपल इतना ही बोलूंगा, आपने जितना भी रखा होगा उसका कम से कम 3 गुना कॉइन तो अभी तक बन चुका है, कम से कम 3 गुना। 6 महीने की बात करेंगे तो कम से कम 3 गुना, अगर 1 रखा है तो उसका 3 गुना यानी 3 कॉइन और आया, आपने आधा रखा है तो 1.5 कॉइन और आया, अगर आपने 0.1 रखा है तो 0.3 और आया, ये समझना है। और 6 महीने और आने वाला है, यानी आपने जितना भी कॉइन रखा उसका कम से कम, हाँ उसका जितना भी आपने कॉइन रखा उसका कम से कम 5-6 गुना कॉइन आपका बनना ही बनना है। जो भी रखा मैंने किस कौन से रेट से लिया, कितना ये इन्वेस्ट किया वो पूछा ही नहीं आपको, मैंने इतना ही पूछा कि आपने जितना कॉइन लिया उसका कम से कम 6 गुना कॉइन आपका बनना है 12 महीने के अंदर। क्लियर? हाँ सर, समझ आया? सही बात। और आपने जो रखा उसमें ऐड हो जाएगा तो लगभग 7 कॉइन बनेगा या 6 कॉइन बनेगा, कैलकुलेशन के हिसाब से 6 होगा ना तो 7 होगा। आज अगर 6 कॉइन की बात करेंगे तो भी $20,000 से काउंट करेंगे तो $1,20,000 बन रहा है। आपने कॉइन कितने से खर्च किया, कौन से रेट से खर्च किया, परचेस किया था? मैंने 40,000 से भी करा, 20,000 से भी करा, 13,000 से भी करा और 8,000 से भी करा। एवरेज 40,000 पकड़ते, 40,000 से आपने कॉइन परचेस किया, 1 कॉइन परचेस किया और उसका ये अपना 6 कॉइन बना हुआ है तो आपका $1,40,000 अभी बन रहा है लगभग, या $1,20,000 अभी बन रहा है। तो क्या नुकसान हुआ आपका, नुकसान क्या हुआ? कब बन रहा है सर? अभी बन रहा है, 5 साल में बन रहा है, मिलेगा। हाँ लेकिन उसको और भी मौका है ना, उसको अगर उसको और पहली बात तो सर हमारे सुनो मेरी बात, ये अपना नहीं है, आपने 1 रुपया डालेगा तो 2 रुपये मिलेगा, ये चीज को समझना है। कंपनी का काम कंपनी करके दिया है, वैल्यू मार्केट का पार्ट है। कंपनी आपको 1 कॉइन रखा उसका 3 कॉइन 4 कॉइन 5 कॉइन बना के दे रही है कि नहीं, जो कंपनी का पार्ट था। अगर हमने मार्केट से कॉइन उठाया तो मार्केट वैल्यू अगर किसी का $1,00,000 से बेचा गया है, किसी का $10,000 से बेचा गया है तो वो कंपनी का पार्ट नहीं है ना। अगर आपने मेरा मीटिंग सुना है तो हर मीटिंग में हमने यही बोला है ना, रेट बढ़ेगा ये बात क्या बात आपको सुनने को आ रही है, लेकिन हमने ये भी बात किया का कंपनी टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लेटफॉर्म है, कंपनी का पार्ट क्या है, सिर्फ फार्मिंग का है। कंपनी का पार्ट क्या है, सिर्फ फार्मिंग का है, जो कॉइन मिंट करके देगा, जो किसी का आज तक नहीं रुका है, आज तक का रिकॉर्ड है, किसी का नहीं रुका है आज तक। अभी मेरा ये बोलना है सर कि जो क्लासिक नया आया कॉइन उसका वैल्यू 300 या 400 के बीच में रहने वाला है हमेशा, क्या कम होने वाला है या ज्यादा होने वाला है? बोला वो कम भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है, उसके लिए हम नहीं बोल सकते, उसके लिए हम कंपनी इसीलिए ऑप्शन दिया, जिसको चाहे तो वो सेल कर सकता है, जिसको चाहे उसको होल्ड कर सकता है, लेकिन अच्छा राय हम क्या दे रहे हैं आप स्वैप करने से अच्छा बेनिफिट क्यों मिलेगा, क्योंकि उसको 50-60 गुना आपको मिलने का मौका मिल रहा है आज के वैल्यू के हिसाब से। आपने क्या लगाया वो बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आज जो वैल्यू चल रहा है उसके हिसाब से 50-60 गुना आपको वैल्यू दिख रहा है तो उसमें आपको बेनिफिट रहेगा, ये हमारा राय रहेगा आपके लिए। कंपलसरी कंपनी भी नहीं करे, हम भी नहीं करे, और कल जाके वे मदर करेंसी में कन्वर्ट होने वाला है, गाइडेंस करने वाली, उसका जो रेट रहेगा वो रेट रहेगा। क्या हुआ? गाइडेंस करने वाले तो आप ही हो ना, वही तो गाइड कर रहे हैं ना 15 दिन से, वही तो बता रहे ना सबको, गाइड वही कर रहे हैं आपको। देखिए सर, जब सुनो ना सर, आपको देख के हमने इसमें इन्वेस्ट करे, इसके बाद में एक डेढ़ घंटा जो बातें किया ना उसमें सब बातें मैंने क्लियर बताई आपको, यहाँ पे किसी को जबरदस्ती नहीं है, लेकिन जो लोग अगर आपको गाइड कर रहे हैं, अगर आपने कहने से लगा हुआ है तो उन्हीं कहने से हिसाब से, उन्हीं गाइड करने वाले लोगों के हिसाब से आप खाली आगे चलो, नुकसान नहीं होगा। अलेक्स सर भी वही कर रहे हैं, हम भी लोग भी वही कर रहे हैं, आपको आपका नुकसान नहीं होगा, डिले हो रहा है, लेकिन अगर मार्केट से डूबने से बेहतर है डिले से, लेकिन मिलेगा ना, ये चीज को समझो ना कि सबको पैसा मिलने का मौका कंपनी दे रही है, उस चीज को समझो ना, पैसा आपका अकेले का डूबा यानी कम नहीं हुआ है या नुकसान नहीं हो रहा है, सबका हुआ है ना? नहीं नहीं, सबका हुआ तो सब सरीके थोड़ी रहते सर, कोई किसी के पास पैसे रहते किसी के पास पैसे नहीं रहते, सब थोड़ी सरीके रहते, सब उंगलियां सर के रहते, क्या नहीं रहते? नहीं नहीं, मार्केट में आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन है क्या, जो अभी यहाँ पे 5 साल में आपको जो पैसा मिलने वाला है इतना ही पैसा आप कहीं भी लगाएंगे तो मिलेगा, ऐसा एक ऑप्शन मेरे को दिखाओ जरा, जो आज मिलने वाला है वो कल कितना रहता है वो छोड़ दो, लेकिन जो 5 साल में आपको 1 कॉइन का अगर 6 कॉइन बना के मिल रहा है और उसका लगभग आपको करोड़ रुपए मिलने का चांसेस सामने रखा हुआ है, जो 100% आपको पर मंथ के हिसाब से मिलने वाला है, तो आपका ऐसा कोई ऑप्शन है कि आपने जो पैसा लगाया उसका मार्केट में उतना पैसा बन सकता है, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? बस दूसरा
नहीं सुनो ना सर, मुझे ये ऑप्शन नहीं है, मेरा ये बात सही है, पर अपना जो है ना अल्टिमा का एक साल का लिए हमारे को फॉर्म दिए, फिर बाद में उसका रेट का भी आपने गाइडेंस करे वाला है कि रेट बढ़ने वाला है, हर मीटिंग में आपने बोले वाला है बढ़ने वाला है। मैंने गाइडेंस किया, जब मैंने गाइडेंस दिया तो वो रेट बढ़ा नहीं क्या? लोगों को पैसे मिला नहीं क्या? मिला नहीं क्या? नहीं नहीं, अगर आपने 40,000 रुपए लिया, अगर महीने जब $5,000 था, $4,000 तब भी मैंने गाइड किया ना, आप तब कहा थे? तो आपने वही तो बोले ना, आप बेचो मत बोले, आप रहने दो, मल्टीप्लाई होगा। समझे मैं आपको, मैंने जब बोला ना बेचो मत, तो वो टाइम पे लोगों ने $5,000 का, $1,00,000, $1,15,000, $1,17,000 के पैसे बेच किया भी ना, तो नहीं किया तभी $1,000 को लोगों ने कॉइन बेचा नहीं बेचा? सर बेचोगे, पर हमने तो आपका आपके सुन के हमने नहीं बेचे ना, वही समझ रहे हो आप लोग का। आप अगर देखो यहाँ पे ये मार्केट ही ऐसा है कि सब लोग एक जैसे नहीं बन सकते और सब लोग एक जैसा पैसा नहीं बना सकते, कोई लूज करेगा, कोई प्रॉफिट बनाएगा, तो कोई नुकसान करेगा, ये आज भी होगा, आने वाले समय भी होने वाला है। लेकिन ये एक अच्छी चार्टर्ड कंपनी बना के दी है, आपको सबको पैसा मिलना चाहिए, इसके वजह से वो प्लेटफॉर्म बना हुआ है। हम अगर उसमें जाना चाहते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जाना चाहते तो आपको अलग से प्लेटफॉर्म है, आप आपका कॉइन वैसे ही रखो, जैसा रेट बढ़ेगा उस हिसाब से बेचो। जैसा 6 महीने से 8 महीने से हम वेटिंग ही कर रहे हैं ना रेट बढ़ने का, 6-7 महीने 8 महीने से अपन वेटिंग ही कर रहे हैं, रेट बढ़ेगा तो प्रॉब्लम होगा ना। तो और एक साल वेट करो, तब तक शायद हो सकता है $5,000 हो सकता है, $10,000 हो सकता है, $50,000 भी हो सकता है। आपको वेट करना है या सिस्टम के साथ चलना है, वो आपको ऊपर है, आपका दोनों सिस्टम रखिए। ऐसा एक आपका फार्म क्लोज किया क्या, आपका कॉइन दूसरी जगह पे डाल दिया है क्या? नहीं ना, आपका कॉइन आपके हाथ में ही है, सिस्टम आपके हाथ में, रिलीज आपके हाथ में हो रहा है, सब चीजें ओपन किया है, आपको बेचने के लिए भी सेल भी हो रहा है। हाँ सही है, सही ठीक है, ठीक है सर। आई होप आपके सारे सवाल का जवाब मिल गया। अभी मैं सर कमलेश कुमार सर मैं आपको ले रही हूँ। हाँ जी सर, कमलेश कुमार सर आप अनम्यूट किए आपको खुद को। यस सर प्लीज आप बात कीजिए, वो है आवाज नहीं आ रहा सर, शायद आपका हेडफोन निकालो सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था, जो एक्स का सेल नहीं हो रहा है, हाँ तो जैसे मैं स्वैप करना चाहता था सर, तो उसको जब तक ये PLSU नहीं कन्वर्ट करूंगा तब फिर वो स्वैप तो नहीं होगा सर? पहली बात तो आपको स्वैप करने के लिए PLSU नहीं चाहिए, क्लासिक चाहिए। हाँ सर क्लासिक में वही कन्फर्म करना पड़ेगा ना सर? हाँ तो हाँ वो आपको शेयर करके क्लासिक लेना पड़ेगा, फिर उसको स्वैप करना है। तो आपको क्या स्वैप करना है, क्लासिक स्वैप करना है? हाँ सर, तो उसके लिए मेंटिंग आया हुआ था, तो सर एक्स बेच के ना उसके टेंशन लेने की बात है उसमें, अभी जब आज नहीं होगा 4 दिन के बाद होगा, लेकिन होगा ना, स्वैपिंग तो बंद नहीं होने वाला है। अच्छा बंद नहीं होने, वही सर कंफर्म करना था कि स्वैपिंग बंद वो कर सकते हैं, जैसे भी रिलीज हो जाएगा, जैसे भी कंपनी आपको वापस ऑप्शन देगी 100% आपका काम बनेगा, टेंशन नहीं। ठीक है, थैंक यू सर। सर एक बात और सर, आप ना स्माइल करके समझाया कीजिए तो ज्यादा समझ में आता है सर, तो स्माइल सही बोला कीजिए तो ज्यादा समझ में आता है, थोड़ा सा मतलब फेस पे स्माइल होना चाहिए सर, तो अच्छा भी लगता है सर, हम लोग को सुकून भी मिलता है कि सर हम लोग को इस तरह से स्माइल देके समझा रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है सर। मैं तो अभी नया हूँ, 2 महीना से हो रहा हूँ सर, मैं डेली मीटिंग ज्वाइन करता हूँ सुबह शाम तीनों, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। शैलास मैं आपको अभी अनम्यूट करने वाली हूँ। शैलास सर आप मुझे सुन सकते हो? आप खुद अनम्यूट करो ना सर आपकी तरफ से। शैलास सर आप मुझे सुन सकते हो? मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी आ रही है। सर आपका जो भी सवाल है आप सर से पूछ लीजिए प्लीज। सर मैंने 2 दिन पहले भी आपको बात किया था, थोड़ा सा स्वैपिंग के बारे में था, तो अब मैं स्वैपिंग कर चुका हूँ। तो मेरा क्वेश्चन ये है सर, अभी जो स्वैपिंग का जो अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनने वाला है वो 5 साल का बनने वाला है, उसमें 2%, 5% और सबसे लास्ट ईयर जो रहेगा उसमें 63% है,
तो एक्चुअली सर मेरा जो वॉल्यूम था जो मैंने अभी स्वैप किया हुआ है तो वो अगर 5 साल के एंड तक भी मैं चाहता हूँ अगर उसका रेट $20,000 अगर रहता है तो फिर भी मेरा जो रिटर्न है वो मेरे इन्वेस्टमेंट से 50% भी नहीं आ रहा ऐसा सर मेरा जो कॉइन था वो वॉल्यूम था 0.50 तो उसमें हाँ तो 0.1 का मैंने पहले स्वैप किया बाद में 0.05 का स्वैप किया ऐसा दो बार स्वैप किया अगर अपन जो आज का रेट है वो अगर लेकर चलते हैं तो फिर भी सर, लेकिन आपका सुनो ना मेरा सर आपका कॉइन आना बाकी होगा ना अभी और आना भी बाकी है ना हाँ जो आना बाकी है सर वो स्वैप करने से वो भी काउंट करो ना वो भी होने वाला है ना सर ये स्वैपिंग फ्यूचर में भी कंटिन्यू रहेगा 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 बाद में जो मेरे अभी मिड टर्म जो कॉइन आने वाले हैं मैंने क्या बोला है सर 15 तारीख तक खाली मैं आपको गाइड करूंगा ओके पार्ट कंटिन्यू रहेगा स्वैपिंग बाद में भी करते आएंगे खाली उसके ऊपर बातें नहीं होगी जैसा आप सवाल जवाब हो रहा है लास्टिक के बारे में बताया जा रहा है वो 2 दिन के बाद यानी कल के बाद नहीं होगा वो चीज नहीं होगा मीटिंग में हम नए सिस्टम के साथ काम करना स्टार्ट करेंगे इतना ही बात है बाकी कुछ नहीं सर इसका जो परसेंटेज रखा हुआ है जितना मैं हम 15 दिन से जो बता रहे हैं अभी लगभग लीडर लोगों को भी पता चला है बहुत सारे लोगों को भी पता चला है वो अपने अपने लोगों को अपने अपने हिसाब से यही हिसाब से गाइड कर सकते आगे बराबर है इसी हिसाब से वो बता यहाँ पे मीटिंग में काम नहीं बनेगा हम नए काम के साथ काम करेंगे 16 तारीख से इतना ही बात है बाकी स्वैपिंग होता रहेगा जैसा भी कंपनी अपडेट देती रहेगी उस हिसाब से आपको स्वैपिंग काम कंटिन्यू रहेगा सर एक बात और थी कि जो अभी स्वैपिंग का परसेंटेज जो कंपनी ने फाइनल किया हुआ है तो सबसे ज्यादा परसेंटेज 63% लास्ट ईयर रखा हुआ है yes. तो अभी उसके वजह से यानी एक्चुअल जो बेनिफिट है तो वो सबसे लास्ट ईयर मिलेगा अगर ये रेट अगर सर अभी आवाज आ रहा है सर आ रहा है अभी आ रहा है सर जो परसेंटेज है वो थोड़ा सा यानी स्टार्टिंग में 2% ये वो अगर 10% रहता था बाद में 20% सर वो सब चीजें के ऊपर बातें हो चुकी लेकिन मार्केट करने तो नहीं हो सकता उसके लिए कुछ स्ट्रेटजी बनी हुई है जिसके कारण सबको पैसा अच्छा तरह से मिलने वाला है मैं इतना ही बोलूंगा सर 10 कॉइन बेच के 10,000 लेने का एक कॉइन बेच के 10,000 लेने का ये इसके ऊपर बात करना ये हिसाब से का कैसे टच हमारा वो बात सही है सर आप जो अभी आज के तारीख में जो सिनेरियो है वो हिसाब से आप जो बात कर रहे हैं बात सही है पर जो इसका सर आप जो बात कर रहे हैं ना उसी के ऊपर सही में हमारे सब चीजें हो ही चुकी है आप तो ज्यादा नहीं हम तो 10% बात कर रहे हैं हम इतने ही बोले सर वो हम लगभग 3-4% भी या 5% भी कर सकते हैं क्या या 2% 5% है ना उसको डिवाइड कर सकते हैं दोनों मिला के 7% हो रहा है तो 3% 4% कर सकते हैं क्या तो भी सर बोले वो संभव नहीं है क्योंकि आपको ये 1% थोड़ा लग रहा है लेकिन जब कैलकुलेशन करेंगे तो मार्केट पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा फिर वापस क्योंकि सर अगर फ्यूचर में इसका प्राइस अगर डबल हुआ तो ही हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो निकल पाएगा अगर वो नहीं होता जैसा है ना मैं क्या बोला सर डबल भी नहीं हुआ ना जैसा भी $60 वो भी रहेगा ना तो भी आपका 100% आपने $1,00,000 से भी लिया है ना तो भी आपका पैसा घर में आ रहा है ठीक है ओके सर आ रहा है ओके थैंक यू सर अभी मैं हेमंत सर मैं आपको लगाऊं लाइव यस सर तो आप अपने ही हिसाब से एडमिट करो ना हेमंत सर आप मुझे सुन सकते हो हाँ ओह यस मैडम यस यस सर आवाज येत है यस सर सर कहीं तो जो पैकेज है आपला 80,000 का दुबई टूर तर त्यामध्ये जे तुम्ही सांगितलं की एक्स मध्ये पण आपण एंट्री करू शकतो तर आपल्याला जे एक्स द्यायचं आहे तर मग सर तिचे म्हणजे क्वांटिटी आणि कुठल्या ऍड्रेसवर पाठवायचं तो मला व्हॉट्सअप करा सर मी तुला ऍड्रेस पाठवल त्या ऍड्रेसवर पाठव आणि मला स्क्रीनशॉट पाठव ओके ओके सर ओके ठीक आहे थँक्यू सर येस थँक्यू सर अभी मनमोहन सर मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ आप जल्दी से अपना सवाल कीजिए एक्चुअली रॉनी सर आ चुके हैं एज सर सेड तो उनके लिए आज मीटिंग थोड़ी जल्दी खत्म हो गई तो आप प्लीज अपना सवाल जल्दी से सर को कीजिए सर नमस्कार यस सर अभी तो एक्स का मतलब जो एक्स बैलेट में है कॉइन बैलेट टू बैलेट भी ट्रांसफर नहीं हो रहा है
यस तो है ना सर, उसके लिए मैं बोला ना एक दो दिन में होगा, सब सॉल्व हो जाएगा, दो तीन दिन रुको खाली, 18 तारीख से पहले आपको कुछ ना कुछ ऑप्शन कंपनी वहाँ पे ओपन करने वाली है जो कंपनी को सही लगेगा वो हिसाब से, लेकिन होगा 100%, दो दिन रुको खाली। हमको सर तो पैसे क्या, आप तो पहले बोले थे 7-8 तारीख को बोले थे दो तीन दिन में सब कैंसिल हो जाएगा सर, 7-8 तारीख वही बता रहा हूँ मैं आपको, और एक दो दिन जा रहा है उसके लिए, लेकिन 100% उस टाइम 18 तारीख उस टाइम बोले कि वो दो दिन बचा है, दो दिन देख लो हो जाएगा, दो दिन कर नहीं सर वो स्टार्ट हुआ केवल कौन सा हम नहीं हम जो बात कर रहे थे सर वो विड्रॉल की बात कर रहे थे, जो लोगों का विड्रॉल लगा हुआ है वो अभी कैश करने की बात कर रहे हैं, अभी आपका वॉलेट की बात कर रहे हैं उसके लिए और दो तीन दिन लगने वाले, दो तीन दिन जो बोनस वो भी 18 तारीख से पहले ओपन होगा सर, 18 तारीख से पहले उसका इसलिए ओपन होगा, एक तो फार्मिंग लगेगा या उधर उधर कॉइन सेंड करने के लिए उसको लोड करने के लिए टाइम मिलेगा, ठीक है फार्मिंग लगेगा तो फिर मीटिंग कम हो जाएगी परसेंटेज, हाँ सर दोनों में से एक होगा, एक तो फार्मिंग भी लगेगा नहीं तो फिर क्वाइन रखने के लिए भी काम आएगा ना लोगों को, इसलिए वो कंपनी कुछ ना कुछ ऑप्शन ओपन करेगी आने वाले दो दिन तीन दिन के अंदर। अच्छा अभी सब लोगों को पैसे की आवश्यकता कैसे काम होगा सर बताइए सर, कंपनी का ना क्वाइन का रेट कम कर रहा है उसमें ना कुछ चेंजेस कर रही है, सिर्फ थोड़ा सा वेटिंग पीरियड है, काम चल रहा है उसके वजह से, मैंने अभी भी क्या एग्जांपल दिया आपको, गाड़ी अगर 140 रफ्तार से चल रही है लेकिन अगर वहां पे कुछ खराबी आ जाती है तो उसके लिए आपको वेटिंग करना पड़ेगा, उसी हिसाब से काम चल रहा है, ये आपने कंपनी को समझ के लेना है क्योंकि हमारे लिए काम चल रहा है सब चीजें, ये सर जब एक जान बुझ के नहीं कर रहे हैं ना, सितंबर से जब से लॉन्च हुआ है सब इसमें टेक्निकल फॉल्ट आता है ज्यादा टेक्निकल, सर वो टाइम पे पार्ट अलग था, अगर आपको सही में टेक्नोलॉजी समझती है ना तो उसको मैं वही समझा दूंगा आपको, वो टाइम अलग था, हम उसके बारे में हम क्लासिक को अपडेट करने के यानी जो पुराना कॉइन है उसको अपडेट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो नहीं हो पाया, कंपनी बार बार उसको उसका रेट बढ़ाने के लिए कोशिश कर रही थी इसलिए वो बार बार रुकाना पड़ता था, लेकिन अभी उसको पूरा कंपनी चेंज ही करके अभी नए सिस्टम के साथ जोड़ रहे हैं तो अभी इसके दिक्कत नहीं आने वाली, एक बार ये स्टॉप होने के बाद ये क्या कंफर्म सर 18 के बाद सब नॉर्मल हो जाएगा सर, 18 के बाद नॉर्मल नहीं होगा, कुछ ऑप्शन आएगा जिससे आप उन्हें कोई न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल होने के लिए कम से कम एक हफ्ता या दो हफ्ता और लगने वाले, कंपनी टोटल 4 हफ्ता मांगा था यानी जनवरी महीना मांगा था उसमें से 15 तारीख हो गए, 2 हफ्ता हो गए और 2 हफ्ते ज्यादा ज्यादा, ये सुनते सुनते तो थक गया सर, एक हफ्ता दो दिन चार दिन पांच दिन सात दिन करते करते सितंबर अक्टूबर नवंबर, आप अगर अपडेट रहेंगे ना तो आपको पता चलेगा कंपनी का टेलीग्राम में पहले से 2 हफ्ते पहले मैसेज आ चुका है, कम से कम 2 हफ्ते से ज्यादा ज्यादा 4 हफ्ता लगने वाला है, कि पहले से मैसेज वो दिसंबर में जब दो मतलब ऐसा है अगर 5 महीने अगर हुआ है एक ट्रेन को स्टार्ट होते हुए तो 5 महीने से किसी को विड्रॉल नहीं मिला है क्या, 5 महीने से किसी को विड्रॉल नहीं मिला है क्या, विड्रॉल मिला है सुनो, तो ऐसा क्यों बात करें फिर आप, ऐसा का ऐसा ही चल रहा है, ऐसा ही चल रहा है 5 महीने से अगर काम चल रहा है एलेक्स कॉइन के ऊपर तो 5 महीने किसी को विड्रॉल मिला नहीं क्या, क्या होता है जो बाकी लोग वो गड़बड़ जाते हैं ना उनका कैलकुलेशन बिगड़ जाता है ना आपका छोटी सी गलती की वजह से, अभी ये तो टेक्निकल काम है ना आपके घर का ना मेरे घर का, टेक्निकल काम को तो टेक्निकल के हिसाब से बनने वाला है, उसको हम कुछ नहीं कर सकते ना, आटा के बैठने भी फायदा होने वाला नहीं, तो वो उसी हिसाब से काम बनेगा, लेकिन आपके ये जवाब की वजह से या ये ऐसे सवाल की वजह से बाकी लोग क्या होते हैं पैनिक इसलिए होते हैं ऐसा ही चल रहा है, तो ये आपके लिए नहीं है लेकिन जो बाकी कम्युनिटी दिन रात मेहनत करे उनके लिए तकलीफ होता है ना ऐसे बात करने से, 5 महीने से अगर कंपनी काम कर रही है और 5 महीने से अगर उसको विड्रॉल मिल रहा है और कुछ टेक्निकल काम के वजह से अगर उसको रुका है तो हम उसके हिसाब से बात नहीं कर सकते, कंपनी हमको पैसा बना के दे रही है, कंपनी हमको पैसा लेके जा रही है, तो सब पैसा लगाए बनाने के लगाए ऐसा कैसे लगाए, तो मिलेगा ना मिलेगा उसको, ऐसा नहीं कि आपको पूरा 12 महीना कंप्लीट हो गया आपको पैसा नहीं मिल रहा, ऐसा तो नहीं सर, आपने कितने महीने से लगाया, सुनो मेरा, आपने कितने महीने से एक कॉइन में पैसा लगाया और बता, अल्टीमा यू में लगाया 6 महीने से लगा, इसमें कितना पैसा बता रहा सर, सुन लीजिए अल्टीमा यू में 6 महीने से लगा सर, उसका पैसा मिला नहीं, दो फार्म था 55 बस, हम तो लगा दे 12 मंथ के लिए, आप लगे 5 साल के लिए, हमको 5 साल नहीं चाहिए, वो 12 मंथ के मारा दीजिए, सुनो वो नहीं बोल रहा मैं, एक्स कॉइन में कितने दिन से पैसा लगाया आपने, एक्स कॉइन में कितने दिन से पैसा लगाया आपका, 2 महीने से, 3 महीने हो गए, हाँ तो पहले महीने का विड्रॉल नहीं हुआ क्या, पहले महीने का विड्रॉल नहीं हुआ आपका, नहीं विड्रॉल हुआ पहले महीने का, तो फिर वही बता रहा हूँ ना मैं आपको, तो हो रहा है ये भी समझ लो ना थोड़ा टेक्निकल, अगर इतना पूरा सिस्टम अगर चेंज करके कंपनी को पूरा लोगों का अपडेट करना है तो थोड़ा समय आपने को भी देना पड़ेगा ना सर, अपने घर में अगर एक महीना बढ़ जाता है तो आपने को तकलीफ हो जाती है, कितनी परेशानी होती है क्या, नहीं थोड़ी बहुत
कम से कम होती है, तो ये सब पूरा सिस्टम चेंज करके दे रहा है, तो किसके लिए कर रहे हैं? हमारे लिए कर रहे हैं ना, हमने पेशेंट रखे तो कैसे मिलेगा आपका पैसा? ना कम हो रहा है, एक्स पॉइंट के बारे में अगर बात करेंगे, ना पैसा कम हो रहा है ना ज्यादा हो रहा है, आपको मिलने वाला है, सिर्फ पेशेंस रखो, थोड़ा सा जो अपडेट होने के बाद मिलना ही है। कंपनी आज तक ऐसा किया है कि आपका पेआउट बहुत बड़ा है, आपका यूटर बहुत बड़ा है, आपको नहीं मिलेगा, थोड़ा मिलेगा, ऐसा कभी किया है आज तक कंपनी? आपका करोड़ों का भी यूटर रहेगा तो कंपनी विदिन सेकंड में दे रही है ना सबको, छह साल का रिकॉर्ड है कंपनी का। मिलेगा सर, कोई बात नहीं, अभी ये दो हफ्ता भी बोलेंगे तो ज्यादा लंबा नहीं है ना, और ये कंपनी का टेक्निकल टीम के तरफ से आया हुआ पार्ट है, ये आलेख सर के या मेरे तरफ से नहीं आ रहा है, जो काम करने वाले लोग, जैसे अगर आप कोई काम करने के लिए अगर किसी को देते तो बोलता है एक घंटा लगेगा या चार दिन लगेगा, तो उसी हिसाब से टेक्निकल टीम के तरफ से आया, कम से कम दो हफ्ते, ज्यादा से ज्यादा चार हफ्ते, तो इसके बीच में कभी भी हो सकता है। अगर हम बता भी रहे लोगों को दो हफ्ते, तीन हफ्ते, चार हफ्ते, तो अपने लोगों के लिए बता रहे, हम घर के हमारे, हमको भी समझता है लोग पैनिक है, तो उनको पैनिक में से लोगों को थोड़ा सा धीरज देना अपना काम है, इसलिए हम आगे जाते हैं, बाकी कुछ नहीं ना। अगर ये मीटिंग में नहीं भी करूंगा तो कोई नुकसान है का मेरा, लेकिन मैं लोगों को क्यों सामने आके रहा हूँ, लोग पैनिक है, उनको कोई ना कोई, जैसा अगर किसी घर में कोई गुजर जाता है तो बाकी आजू बाजू के लोग किसके लिए जाते हैं? उसको जिंदा तो नहीं कर सकते, लेकिन उसको सपोर्ट कर सकते हैं ना, उसको हेल्प कर सकते हैं, या कोई उसको दुख से कम करना चाहते हैं, वही सबसे हम लोगों के बीच में आके अगर दो दिन चार दिन करके बात कर रहे हैं तो लोगों का पेशेंस रखने के लिए कर रहे हैं ना, लोगों का नुकसान नहीं होना चाहिए, लोग जो पैनिक हो रहे हैं उसको तकलीफ नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, मिलना तो 100% है, मिला तो सर, जो मिला वो पांच साल हो गया ना सर, हम तो 12 महीने के लिए लगाए हैं सर व्यू का, आप शिव कराएंगे सर, अगर आपको तुरंत चाहिए तो तुरंत विड्रॉल हो रहा है, आप ले सकते हैं, ये पांच साल में आपको अच्छा पैसा चाहिए तो यहाँ पे आ सकते हैं सर, तुरंत 500 रुपया मिला क्यों लेंगे बताइए? मैं वही समझा रहा हूँ आपको, का जो मार्केट का पार्ट है वो कंपनी का या आपका पार्ट है, मेरा पार्ट नहीं है ना। अच्छा सर एक मिनट सर, जो आपने क्लासिक नाम चेंज कर दिया, क्लासिक में हमारा कॉइन चेंज कर दिया, आप बोल बस नाम चेंज करने से यू का रेट 20,000 हुआ, ऐसा आपको लग रहा है क्या? आपको लग रहा है क्योंकि आपने नॉलेज पूरा नहीं लिया इसके वजह से, तो क्लासिक अपना कॉइन है, पीएलसी जो है ना वो टोकन है, इस चीज को समझना है पहला बात को, और वो हमारे लिए कंपनी जनरेट किया हुआ है, जो हम लोगों को पैसा जनरेट करने के लिए, क्यों? क्योंकि वो टोकन देके आपको $20,000 के हिसाब से कन्वर्ट करके आपको $20,000 के हिसाब से पैसा जनरेट करके देना है, ये ध्यान रखना, जो हुआ है ना तो वो कंपनी दे रही है आपको, लेकिन सिस्टम चेंज करके क्यों दे रही है? क्योंकि वो पैसा कंपनी के पास नहीं गया, आपने जो कॉइन परचेस किया वो कंपनी को पैसा मिला है क्या? पैसा कंपनी को मिला है क्या? नहीं ना, क्योंकि हम मार्केट में दिया और लिया कॉइन, तो वो पैसा कंपनी को नहीं दिखाया, तो कंपनी आपको कहां से पैसा देगी? लेकिन आपने कम्युनिटी को जिंदा रखने के लिए, आपने कम्युनिटी को आगे लेके जाने के लिए, आपने कंपनी को पैसा रिटर्न मिलने के लिए कंपनी सिस्टम बना के अगर आपने को जनरेट कर देके दे रही तो क्या नुकसान है? सर पर सिस्टम तो कंपनी ने बनाई है, तो कंपनी भी पैसा लगाया सर, सिस्टम कंपनी भी अपने फार्म के लिए पैसा लगाया, फार्म आज भी अपना काम करके दे रहा है ना, दे रहा था ना, तो ना? हम जिस उम्मीद से लगाए थे सर, उस उम्मीद तो नहीं है ना, एकदम मतलब देखो उम्मीद जो है वो अपने मार्केट की है, कंपनी की नहीं, कंपनी खाली अपना काम कर रही है और हम हमारा उम्मीद लेके बैठे मार्केट के ऊपर, इस चीज को समझना है। अगर आपने नहीं बेचा है लेकिन आपने ये भी देखा है, एक मिनट यहाँ पे आपने ये भी देखा है, किसी ने $50,000 भी बेचा है, किसी ने $1,00,000 भी बेचा है क्या? नहीं बेचा है, अरे बेचा है सर, 300 पता नहीं आएगा, ये उम्मीद तो नहीं था सर, 5,000 आएगा, 6,000 पर आएगा, 300 पता नहीं आएगा। मार्केट में ऐसे बहुत सारे सिचुएशन है, लोगों को डुबा के निकल भी गए, हम कम से कम जिंदा है और अभी लोगों को जो अभी आगे लेके जाने का कोशिश कर रहे कंपनी के माध्यम से, इस चीज को समझना है, नहीं तो आज आपको जहाँ पे रहना है वहां पे रुक सकते हैं, वो बाद में बढ़े भी सकता है ना, अगर $300 का $3,000 भी हो सकता है तब तक रुको, फिर आपको और बात मजा आएगा, 10 गुना पैसा बनेगा आपका आज के रेट के हिसाब से, कंपनी कहाँ ना बोल रहे आपको, कल जाके वो 6,000 भी हो सकता है, उसको आपको 6,000 के हिसाब से बेच सकते हैं, आपको मना थोड़ी किया कंपनी, ये एडिशनल पार्ट दिया भाई, पार्ट का हिस्सा बनना नहीं बनना हमारे ऊपर है ना, आप लोग खुद ही बोले थे दुबई की मीटिंग होगी तो उसके बाद कंपनी बूम करेगी, बूम 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 किया ना सर, कंपनी बूम नहीं किया क्या?
मैं क्या बोला, क्या बोला, मार्केट सिचुएशन को समझ लो, मार्केट सिचुएशन की वजह से अगर दिक्कत आई है तो कंपनी उसको लोगों को नुकसान नहीं होना चाहिए, उसके वजह से कुछ ना कुछ रास्ता तो निकला गया नहीं। मार्केट में ऐसी कोई कंपनी मेरे को एक सिंगल कंपनी दिखाओ हजारों में जिन्होंने लोगों को डूबते हुए बाहर निकाला, एक सिंगल कंपनी मेरे को दिखाओ, सिंगल कंपनी आप देखो मेरे, 10 साल पीछे जाओ या 50 साल पीछे जाके देखो, एक सिंगल कंपनी जो लोगों को डुबाई और बाद में बाहर निकला, ऐसा एक सिंगल कंपनी दिखाओ। तो हमने तो सर जाग पता के लगाया ना, हमने जाना, हम तो जाने पहचाने उसके बाद लगाया, इन्वेस्टमेंट किया ना। तो आपने पूरा नॉलेज नहीं लिया इसलिए आप दिक्कत में, पूरा नॉलेज लिया होता तो आप दिक्कत में नहीं होते। आपको खाली मार्केट में $1,00,000 का कॉइन दिखा इसलिए आपने पैसा लगा दिया, नहीं नहीं ये कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है, ये नहीं देखा आपको, हमने उतना ही कम होगा ज्यादा ये सोचे थे सर, तो इतना नहीं सोचे थे कि सर। तो आप अभी आपके सोच के ऊपर नहीं कंपनी चलेगी ना सर, आपके सोच के ऊपर कंपनी चलेगी क्या, मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी $300 का $30,000 भी हो सकता है, लेकिन वो मार्केट तय करेगा, आप नहीं तय करेंगे ना, लेकिन उसके लिए आपको वेटिंग करना है सिर्फ, आपको कॉइन खींच के नहीं लेके रहे, आपको कॉइन कहाँ पे ट्रांसफर करके नहीं दे रही कंपनी, च्वाइस रखे आपको क्या करना है, च्वाइस आपके ऊपर है, आपको होल्ड करना है, आपको कैश करना है, आपको स्वैप करना है, सब चीजें आपके ऊपर, कंपनी छोड़ दिया है। ठीक है सर, एक बात सर, एक पॉइंट, 5 साल के लिए स्वीप करना है सर, जो लास्ट ईयर में 30% दे रही है, ठीक है सर, तो क्या आप लास्ट में मैं क्या बोला, आप शुरू में विड्रॉल ही मत करो, लास्ट में 100% विड्रॉल करो, ठीक है, चिंता तो विड्रॉल ही मत करो, लास्ट में टोटल 100% एक साथ विड्रॉल करो, क्या पता उस टाइम कंपनी फिर नियम चेंज कर दे या रेट डाउन कर दे, ले आए 200 कंपनी, सुनो मेरी बात, कंपनी का वो रेट के बारे में कंपनी को जानना ही नहीं, आपको जो दे रहा है ना उसकी बात कर रहे, इस चीज को पहले ही समझना है, और जो कंपनी के हाथ से जा रहा है ना, जैसे कंपनी अभी कंपनी के हाथ से अगर स्टेबल के हिसाब से अगर रेस कॉइन को लेके जा रहे हैं ना, तो आप अगर 2 महीने से पे आउट ले रहे हैं तो उतना ही आ रहा है कि कुछ चेंजेस हो रहा है, अब जैसे यू हमने स्वीप कर दिया क्लासिक यू में 5 साल के लिए, हम एक ही बार लेंगे 55 साल में लेंगे 100%, ठीक सर, ठीक, तो अभी तो 20,000 है रेट, क्या 55 साल में वही रेट रहेगा कि 200 रुपए फ्री आ जाएगा उसका रेट, या बोल नहीं सकते, अगर आपके राय से हिसाब से बात करेंगे तो बोल नहीं सकते, सिस्टम के हिसाब से मैंने जो सुना और जो मैं देख रहा हूँ ना, जो कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ ना, ये 20,000 से भी ज्यादा जाएगा, ये मेरे को पता है, आपकी सोच के हिसाब से 200 भी हो सकता है, आपकी सोच के हिसाब से, लेकिन मैं जो सिस्टम के साथ चल रहा हूँ और प्लेटफॉर्म के साथ हम काम करे, कंपनी के हिसाब से अगर ये कॉइन को जो स्ट्रेटेजी बनी हुई है ना, उस हिसाब से उसको 100% 20,000+ रहेगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि आज अगर आपका पे आउट नहीं हो रहा है, आप पहले बात सुनो मेरी बात, आपने क्या बोला ये कॉइन का पे आउट नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है ये पता है आपको, ये स्टडी किया कभी आपने, खाली नहीं मिल रहा है इसके बारे में बात कर रहे, लेकिन हम हर मीटिंग में जो बता रहे यस कॉइन की स्ट्रेटेजी बनी है पीएलसी के माध्यम से, अभी मार्केट में पीएलसी है नहीं तो आपको देंगी कहां से, अगर कंपनी को आपके खिस्से में से ही देना था, कंपनी के वॉलेट्स में ही देना था, तो 2-3 सेकंड में कंपनी पे आउट छोड़ देती थी, लेकिन वो वैसा नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि स्ट्रेटजी के साथ काम कर रहे हैं, जो मार्केट में खराब हुई है वो वापस खराब ही नहीं करना है, अगर कहीं पे अगर आपको गलत हुई है तो वो गलती वापस आप बार बार नहीं करते, क्यों नहीं करते, क्योंकि अपने को नुकसान हो गया आपको पता है, उसी हिसाब से कंपनी को पता चला है कि मार्केट में एक्स्ट्रा कॉइन छोड़ने से अगर ये दिक्कत आती है, तो अभी कंपनी एक्स्ट्रा कॉइन मार्केट में छोड़ ही नहीं रही है, अभी पीएलसी मार्केट में कैसा आएगा, जो हम स्वैपिंग कर रहे हैं उसका पर मंथ जो इनकम आएगा लोगों को, वही मार्केट में कैश करेगा येस कॉइन को, ये एक दूसरे के ऊपर स्ट्रेटजी बनी हुई है, इसके कारण जब तक अपना पीएलसी मार्केट में जनरेट नहीं हो रहा है तब तक येस कॉइन का विड्रॉल थोड़ा सा स्लो चल रहा है, जैसा भी अभी हर महीना लोगों का पे आउट यहाँ चालू हो जाएगा, भले बाकी लोगों ने किया नहीं किया बात की बात है, लेकिन जो लोगों ने किया उसको तो 5 साल तक देना ही है ना, तो वो कॉइन मार्केट में आने वाले, तो वो कॉइन यूटिलाइज होने वाले अपने येस कॉइन के लिए, तो ये स्ट्रेटजी बनी हुई है सर, तो हम इधर उसके बाद कंपनी एक नया प्लेटफॉर्म रेडी करके रखा है जो उसके ऊपर काम कर रही है, आने वाले दिसंबर महीने में उसको ट्रोन ब्लॉकचेन के साथ काम करेगी, तो वहां पे ये पीएलसी वापस जो मार्केट है एक्स्ट्रा पीएलसी आना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसको फिर वापस स्वैप करेगी $1,00,000 में, तो और पीएलसी का डिमांड क्रिएट करेगा मार्केट में, तो इसका मतलब ये $20,000 नहीं ये $2,00,000 भी जा सकता है, इस चीज को समझना है आपको, लेकिन हम अगर निगेटिव सोचेंगे निगेटिव बातें करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, जो लोग अभी सोच रहे कि मेरा $300 बना है $350 बना है वही पे खड़े, लेकिन जिन्होंने सोच चेंज किया और स्वैपिंग किया भले उसको 200 रुपए मिला लेकिन आना स्टार्ट हो चुका है, ये चीज को समझना है, स्वैपिंग भी कर रहे और इधर के उधर की बातें भी कर रहे, तो मेरे को समझ में आ रहा है आपको क्या चाहिए, नहीं स्वैपिंग तो कर दिए,
हमारा जो बजट साल भर में आ रहा था उसी पैसों को 5 साल में लेना पड़ेगा सर। जो तो एक साल बता रहा हूँ मैं क्या बोला सब देखो, हमने अगर कहीं भी पैसा लगाया अगर वो डूब जाता है तो हम वो टाइम पे क्या करते हैं, लेट से, लेकिन हमको मिलना चाहिए। ये चीज को समझना है, मार्केट का पोजीशन समझना है। यहाँ पे कंपनी की कोई भी गलती नहीं है, फिर भी आपने को चांसेस दे रही है तो उसको आपको चीज को समझना है। अगर कंपनी हमारे साथ नहीं खड़ी होती एग्जाम्पल और हमारा डूब जाता क्या होता, कुछ नहीं मिलता, किसी को कुछ नहीं मिलता ना। जिसके माध्यम से लगाते उसको पकड़ते सर, क्या वो कहां से देता, कहां से देता? ऐसे कितनी मार्केट में गलतियां हुई चुकी है ना। नहीं, मार्केट में ऐसे कितनी गलतियां हो चुकी है, आप उससे क्या 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 कर सकते थे? कहां देता हमको नहीं पता, वो देता सर। सर ये सोच है आपकी, यानी फायदा होता तो आपका होता, नुकसान होता तो उसे कितनी निकल के लेता है सर? $1,00,000 से आपको बेचना मिलता तो आप उसको लेके जाके दे, घर पे नहीं देके आके चलो आपके वजह से मिला है। सुनिए सर, सुनिए सर, एक मिनट, एक मिनट। ये सोच बदलो सर, नजरिया चेंज हो जाएगा, मेरा इतना ही कहना है आपको, बाकी कुछ नहीं। एक मिनट सर, जब हम लोग का पैसा लगाया इसमें ना तो बोला की गारंटी लेता हूँ की 3 मंथ में आपका पैसा निकल जाएगा PFCU में। लेकिन अगर सर वो गारंटी ले रहा है तो कोई गवर्नमेंट का पार्टी क्या वो गारंटी लेने वाला? गारंटी का कोई मेडिसिन की गोली है क्या? अभी मार्केट में जाके और उसको गोली मार्केट से लेके और खाएंगे तो अपने को गारंटी मिलेगा? जब आपने गारंटी, गारंटी का मतलब मेरे को आज तक समझ में नहीं आया सर। लोग बोलते हैं गारंटी गारंटी, लेकिन मेरे को गारंटी का कोई मतलब ही आज तक समझ में नहीं आया। जिसके 55 के फॉरन हमारे, अरे बड़ी बड़ी बैंक जो गारंटी लेती है वो लुक के निकल जाती है, उससे क्या कर सकते आप? जो गवर्नमेंट की बैंक होती है वो भी लुक के निकल जाती है, जो गवर्नमेंट उसको ऑथोराइज करता है तो भी वो निकल लोगों को तकलीफ देती। तो सर हम क्या बताएं, जो बोला 3 महीने गारंटी लेगा दूंगा मूलधन का सर। पहली बात तो उसने बोलने से पहले आपने नहीं देना चाहिए था, क्योंकि आपको भरोसा नहीं था गारंटी की बात। हाँ। जब सामने वाला करता है तो आपने नहीं लेना चाहिए, क्यों मालूम है? क्योंकि वो कहां से देगा ये आपको वो टाइम पे सोचना चाहिए था ना। नहीं तो हमको पता ना कहां से देगा सर, उस गारंटी दिया तो मूलधन का तो देगा ही, बाकी फायदा मिले मूल तो धन तो देगा ही सर। नहीं मैं गारंटी में सामने वाले को क्या बोलता हूँ, गारंटी 100% लूंगा, 50% प्रॉफिट लूंगा, मेरा ये गारंटी रहती है मार्केट में। पैसा आपका गारंटी मेरा, लेकिन 50% प्रॉफिट में रहूंगा तो आपके साथ गारंटी के साथ काम करना, नहीं तो नहीं करना। सही बात है, नहीं तो प्रॉफिट के लिए हम आप 100% और नुकसान के लिए 100%, तो ये नहीं चलेगा ना। नहीं चलेगा तो वही बोलना चाहिए था ना, फिर हम लगाए चलने लगा, फिर हमारी मर्जी। वो नहीं बोला तो वो ये मीटिंग का पार्ट नहीं ना, ये जो आपके बातें हुई उसमें एक कंपनी का और मीटिंग का पार्ट है, बोलो उसने गारंटी आपकी ली या आपने उसने गारंटी दी, ये आपने मीटिंग का पार्ट है नहीं। हम ठीक है, आप करो, मेरे पास गारंटी नहीं मिलेगी। नहीं 20,000 के बाद मिलेगी सर, तो बताइए आप तो बोले 20,000 से बेसी बढ़ेगी डॉलर से, 50% प्रॉफिट रहूंगा, चलेगा? हाँ चलेगा, बनेगा 50% आपका और मेरा। अभी आप एक कॉइन के लिए कितना पैसा लगाएंगे? $350 लगाएंगे। अभी $20,000 तो अभी बन रहा है, तो $10,000 आपका, $10,000 मेरा तो फाइनल हो चुका है। तो आधा कॉइन, ये एक कॉइन आपके नाम पे नहीं जाएगा, आधा कॉइन मेरे नाम पे आएगा, आधा कॉइन आपके नाम पे आएगा। अगर आपको आपका $400 जब तक नहीं आता है तब तक मैं ही गारंटी, आपका $400 आपके आधे कॉइन से निकल गया, आपका मेरा सब खत्म, बाकी आप जानो कितना बनता है, मैं जानूंगा मेरा कितना बनता है। ऐसा नहीं आप ये कॉइन लेंगे आपके नाम पे डालेंगे मैं बाद में आपके ढूंढते रहूंगा, ये काम नहीं चलेगा। मैं आधा कॉइन आपके नाम पे, आधा कॉइन मेरे नाम पे, प्रॉफिट बनेगा नहीं बनेगा $400 मैं आपको दूंगा, जब तक $400 आपका नहीं बनता है। $400 आपका बनेगा, आपका और मेरा गारंटी खत्म, एग्रीमेंट खत्म, आधा कॉइन का मेरे नाम पे, वो मेरे को जो भी मिलेगा मेरे को मिलेगा। वह आधा प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ ना, आपका जो आ रहा है ना उसमें से $400 निकल गया तो गारंटी का बात खत्म हो गया ना। हाँ सर, तो आधा कॉइन आपके नाम पे जो प्रॉफिट है आपकी बात नहीं, आपकी बात नहीं, इतना मेरे को हंसी आ रहा है। तो ये गारंटी ओके थैंक यू, ठीक है चलेगा, थैंक यू, चलो ठीक है सर। आप बहुत ही ज्यादा टाइम से हो, मतलब कब से वेट करो, मैं आपको लेती हूँ अभी लाइव, आप 10 minutes. We'll just finish our work. आपको मैंने अनम्यूट किया, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी सर, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, मैं ये बोलना चाह रहा था सर, मैं 31 तारीख की क्लोजिंग में मुझसे मिस्टेक हो गई थी सर, 11,000 के फॉरम में
मैंने 55,000 का कॉइन दे दिया था सर। ओके तो टेक्निकल से मेरी कंटिन्यू चैटिंग चल रही है सर, तो हर बार वो 15 दिन से वेटिंग चल रहा है। थोड़ा सा आपको सर, हाँ थोड़ा वेट लग रहा है, कंपनी का काम चल रहा है, मैं वही समझ रहा हूँ आपको, क्योंकि वही काम करने वाले सब लोग है, तो सर पर काम बनेगा आपका। अगर फिर भी नहीं बनता है तो टिकट मेरे को भेज दो, मैं सर के साथ बैठने वाला हूँ जब सर आए, अभी आने वाले ना, तो करने वाला हूँ। नारायण सर के व्हाट्सएप को ऐसे आपके लिए पहुंच गया मैसेज सर? हाँ हाँ तो उसको देखिए, उनके तरफ से आया वही है ना? हाँ वही है सर। हाँ वो मैंने लिया है सबका, जिसका जिसका मेरे पास आया है सब लेके मैं बैठा हूँ, सर के साथ बैठने वाला हूँ जल्दी। अभी 55,000 का फॉर्म का जो कॉइन आपने डाला ना उसमें उतना बनेगा नहीं ना, टिकट नहीं बनेगा, एक साइड का बनेगा, 50,000 का कॉइन बना लो और बाकी का तो मैं कर दूंगा ना अरेंजमेंट। मैं वही बोला ना, एक साइड का तो कर दो, एक साइड का वो आने की बात करो। हाँ सर देखते हैं ना। थैंक यू मुकेश सर। मैं अभी ब्लू डायमंड सर मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप अपने सवाल रख सकते हो सर के सामने, आप अपने आप को अनम्यूट कर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरा कोई सवाल नहीं, मेरा सवाल ये है, मुझे मेरी कंपनी टीम में से 10 लोग आ रहे दुबई के लिए, मेरे को कॉइन का एड्रेस जल्दी, एड्रेस PLCX का एड्रेस जल्दी भेज दीजिए, मैं उनके मेरे को व्हाट्सएप पे हाई करो, व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ मैं। अब किया मैंने आपको लिख के रखा है। ओके ओके ठीक है चलेगा, थैंक यू। और वो 10 लोगों का नाम भी चाहिए मेरे को, और नाम और पासवर्ड सब भेज देता आपको। हाँ ठीक है ठीक चलेगा, कल सब भेजे। यस सर ठीक, थैंक यू सर। अभी मनोज कुमार सर मैं आपको ले रही हूँ लाइव, आप सर के सामने अपने सवाल रख सकते हो। सर आपको अनम्यूट करो सर आप। ओके नमस्ते सर जी। यस सर। नमस्ते सर, आज मैं जितने पैनिक थे आपको हंसकर देख लिया, मैंने खुश हो गया मैं तो बस। ओके जी सर, आपको खुश देखकर मेरे सारे पैनिक दूर हो जाते हैं। यस यस बोलिए। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके तो आपके कोई सवाल नहीं यूएसटी के? सर सरवार खान सर मैं आपको लाइव ले रही हूँ, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। गुड इवनिंग सर। यस सर। सर आप बहुत सारी ऐसी बातें बताते हैं जो सामने को बहुत, सामने वाले को बहुत इनकरेज करता है। मेरा एक सवाल ये है सर कि जो कंपनी कैशबैक वाउचर वो पूरी तरह से लॉन्च कर दिया, वो चल रहा है? सर वो चल रहा है, लेकिन अभी फिलहाल अगर हम उसको लेंगे ना तो उसको अपने को किसी को भी बोनस जनरेट नहीं होने वाला। सर बोले एक महीना ये सारा सिस्टम चल रहा है, वो अपडेट होने दो, उसके बाद सर उसके ऊपर अभी ऑलरेडी टीम काम कर रही है। जो बोनसेस जैसे आपने को जो फार्मिंग सेल करने के बाद अपने कमीशन आता है ना, वैसा वो अभी अपने को सबको कमीशन के लिए कंपनी चार्ट बना रही है, फिर उससे अपने को काम करने के लिए आसान हो जाएगा। और मल्टीप्लाई करेगा और बड़ा बड़ा बल्कि पेमेंट आएगा तो बहुत बड़ा ये सर ये प्लेटफॉर्म उसके वजह से बहुत बड़ा मल्टीप्लाई होने वाला है। लोगों का अभी थोड़ा सा पैनिक नहीं चल रहा है मार्केट में, लेकिन एक महीना दो महीना ज्यादा से ज्यादा मार्केट में बहुत हंगामा होने वाला है इस सिस्टम के साथ। तो सर ये कैशबैक वाउचर से ना अल्टीमा कॉइन्स, ये अल्टीमा कॉइन सर क्या है, ये टोकन है क्या है? सर नया जो अल्टीमा है ना वो अपना टोकन है, कॉइन नहीं है। उसको स्वैप करेगी कंपनी, उसको स्वैप करेगी आने वाले दिसंबर महीने से फिर 5 साल के लिए। जैसा पहले साल में जितना ये अल्टीमा बाहर आ रहा है जो भी लोग करना चाहते उसको फिर स्वैप करेंगे वो $1,00,000 में, और वो $1,00,000 अगले 5 साल में उनको 20% 20% 20% 5 साल में डिवाइड होकर मिलने वाला है। ये सीधा हिसाब है, और वो रहेगा ओरिजिनल कॉइन, यानी जो ब्लॉकचेन के ऊपर काम करे, ब्लॉकचेन पे, वो ट्रोन पे जाएगा ना। हेलो। यस यस यस। ओके सर। और सर ये अभी जो एक्स का है ना, वो अभी इंटरनल एक्सचेंज है जो कंपनी का, वो कब चालू हो जाएगा सर?
ये काम अपडेट होने के बाद तुरंत चालू हो जाएगा, जैसे एक हफ्ता दो हफ्ता बात करें ना, टेक्निकल वर्क चल रहा है, मतलब 36 आवर्स 48 आवर्स चल रहा है। आई थिंक इट विल बी सॉल्व इन कमिंग डेज ना, इन कमिंग डेज। यस थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यस सर, थैंक यू, थैंक यू सर। अभी हम शंकर सर, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप सर से बात कीजिए, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। आपकी तरफ से अनम्यूट हो रहा हूँ सर। हाँ सर, चला है सर। हाँ यस, बोला। हेलो सर। हाँ बोलिए। नमस्कार सर। सर नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। हाँ सर, फक्त एक नमस्कार करण्यासाठी फोन केला होता तुम्हाला। नमस्कार सर, आपली प्रभू सर आणि आरुण सर काय सर, लक्षात नाही, तुमचा आवाज ब्रेक झाला, लक्षात नाही। मध्ये मी पाचोऱ्यावरून बोलतोय। ओके, हॅलो। हा बोलूया ना। प्रभू सर आणि आरुण सरांच्या टीम मध्ये म्हटलं मी। ओके ओके, हा फक्त मीटिंग ऐकण्यासाठी बसतो मीटिंग ऐकण्यासाठी बसतो मीटिंग मला रॉय सर, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप सर से बात कीजिए, आप अपने आपको अनम्यूट कीजिए प्लीज। थैंक यू मैम। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर। सर दो लाइन कहूंगा सर, उसके बाद थोड़ा सा एक बात कहूंगा सर आपके लिए, दो लाइन कहना है सर। कहते हैं सर, दिल से दिल जुदा नहीं होते, यूं ही किसी पे फिदा नहीं होते, प्यार से बढ़ के रिश्ता होता है दोस्ती का, क्योंकि हर दोस्त बेवफा नहीं होते। सर आप जो सर्विस दे रहे हैं ना, वो सबकी बस की बात नहीं है, ठीक है। सर बस मेरा ये कहना है सर कि सर आपने कितने कॉइन स्वैप कर दिए सर? नहीं नहीं, लगभग 235 तो गए सर, मैं अभी तक, अभी बहुत सारे बाकी है सर। आप अपना स्क्रीनशॉट थोड़ा शेयर कर दीजिएगा हम लोग को ग्रुप में, मजा आ जाएगा। क्योंकि इंडिया में बहुत सारे नुकसान हो रहे सर अभी ना, लोग ज्यादा तकलीफ दे रहे। ये बात तो सही है, मैं आपको पर्सनल नहीं करूंगा, कोई तकलीफ नहीं। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। यस सर, थैंक यू सो मच सर। और किसी को लेना है? हेलो श्याम पाटिल सर। कौन? श्याम पाटिल सर। श्याम पाटिल, शंकर पाटिल। श्याम, श्याम। ओके ओके, श्याम। ओके ठीक है, स्पीकर इज नॉट ऑन। उनका वीडियो ऑन। श्याम पाटिल सर, आपको अनम्यूट किया हुआ है, अगर आप सुन रहे तो आपकी तरफ से अनम्यूट करो। उसके बाद शंकर लाल, शंकर लाल सर, शंकर जाते। हाँ जड़े जड़े। ओके, सबका वीडियो ऑन नहीं है सर, जिसको भी बात करना है ना उसका वीडियो जरा ऑन करो, ताकि बात करने के लिए आसान हो जाएगा, नहीं तो फिर नहीं बाकी लोग उनको लेते हैं। बाकी और कौन? ओके, किसी का भी वीडियो ऑन नहीं है। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे होते। हाँ यहाँ पे है महेश गुप्ता सर। सर सर महेश गुप्ता सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है, प्लीज आप बात कीजिए सर से। नमस्कार सर। यस सर, नमस्कार। नमस्कार सर, इसमें जो दुबई वाले ट्रिप में इन जनरल भी हम लोग भी जा सकते हैं क्या सर? कोई रैंक होल्डर नहीं? सब सब नहीं, नहीं रैंकिंग नहीं कोई भी, खाली अपने कमर का मेंबरशिप होना चाहिए बस। हाँ वो तो ऑलरेडी अपन इन्वेस्टर हैं। दूसरा ये था कि जो फॉर्म में जगह बची हुई है ऑलरेडी, तो उनके लिए क्या सजेशन है सर आपका? जो मेंटिंग कौन से फॉर्म की बात करें? यानी पीएलसी क्लासिक की बात करें ना? अभी क्या करो मालूम है, जो फार्मिंग भरने के लिए मत चेक अभी टाइम दो, अभी सिर्फ है ना अपना ये करो, स्वैपिंग करो पहला, अभी भी और भी डाउन आ सकता है तो वो टाइम पे भी हम भर सकते हैं, नहीं तो फिर नया मिंटिंग जो आएगा ना उसको भी हम उसमें डाल सकते हैं। बराबर, अभी पहले स्वैपिंग का ऑप्शन ओपन है, उसमें पहले एंट्री करना स्टार्ट अपने जरूरी। तो इसमें कोई लिमिटेशन थोड़ी सी, जितना भी मिंटेड कॉइन है वो सभी डाल सकते हैं अपन? हाँ उतना भी डाल सकते हैं जी। थैंक यू सर, थैंक यू, आपसे मिलके बड़ा अच्छा लगता है सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर अभी एसके रॉय सर जी बचे हुए, और उनका भी हो गया है।
सर, ये सबका क्वेश्चन आज के दिन में कंप्लीट हो चुका है, किसी का भी हंड्रेड नहीं अभी, उस हिसाब से हम ये मीटिंग को आज के यहाँ पे हम रुका थे। मैं खत्म करने से पहले दीपक सर, मैं आपको अभी ऑनलाइन ले रही हूँ, इसने बोला था मेरे तुम्हें। दीपक सर, या प्लीज, गुड मॉर्निंग सबके लिए। गुड मॉर्निंग सबके लिए। मिस्टर राजेंद्र उपाध्याय जी आज आपके सामने आ गए। मिस्टर राजेंद्र उपाध्याय जी, हम सबको इतना गाइडलाइन करते, इतना अपडेट देते, हम सच में उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। एंड स्पेशली थैंक्स टू मिस्टर रॉनी। रॉनी डियर, थैंक्स थैंक्स, लेट्स टॉक वेयर विद एलेक्स एंड मिस्टर राजेंद्र उपाध्याय एंड मिस्टर रॉनी, वेयर एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली लेट्स रॉकिंग एंड इन दिस ईयर वी आर ऑल फाइनेंशियल फ्रीडम विद एलेक्स एंड मिस्टर रॉनी, रियली सो थैंक्स। यू आर ऑलवेज कमिंग अवर मीटिंग and guideline always Indian community and you are brother of my brother Mr. Rajendra Upadhyay. Yes. thank you very much. तो इसके साथ आज का हमारा जो और आज का मीटिंग बहुत अच्छा हुआ है, और आज का मीटिंग का मैन ऑफ द मैच जाता है कमलेश को। कमलेश ने आज बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया है मिस्टर राजेंद्र उपाध्याय को कि आप जब स्माइल करते हैं और आंसर देते हैं तो सब कम्युनिटी खुश हो जाती है और आपको देख के। तो कमलेश जी बहुत अच्छा, सब जन को मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि फॉलो करो मिस्टर राजेंद्र उपाध्याय जी को, उनको फॉलो करके पूरी इंडियन कम्युनिटी आज फाइनेंशियल फ्रीडम हो चुकी है, और उनको देख के सब लोग आज उनके राह पे चल रहे। तो सबको मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, मिस्टर राजेंद्र उपाध्याय जी बोलते हैं उनको फॉलो करो, और ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, तो सबको मैं यही कहना चाहता हूँ, मिस्टर राजेंद्र जी आज MS धोनी की तरह बैटिंग कर रहे, सब आउट हो चुके मिस्टर राजेंद्र उपाध्याय धोनी की तरह बैटिंग कर रहे, आउट नहीं हो रहे, वो इतने बच के खेल रहे कि आउट नहीं हो रहे, और उन्होंने पूरे इंडिया को बचाया है आज। तो अपने को यही करना है कि MS धोनी मिस्टर कुल राजेंद्र उपाध्याय जी को अपने को साथ देना है और उनके साथ रहना है, और इसके लिए क्या करना है, हर रोज जो जूम मीटिंग आती है उसे अटेंड करना है, उसे देखना है। मिस्टर राजेंद्र उपाध्याय जी कोई नहीं बोलते इतना, तीन तीन घंटे कोई नहीं बोलता, मिस्टर राजेंद्र उपाध्याय जी तीन तीन घंटे बात करते। उन्होंने जो अपने को गाइडलाइन दिया है, जो रास्ता बताया है, उसके ऊपर चलना है, तो आप 100% फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाएंगे। और मैं इतना ही कहूंगा मिस्टर राजेंद्र उपाध्याय जी की तरफ से, इस दिवाली तक अगर आप सब मिस्टर राजेंद्र उपाध्याय जो बोलते वो करेंगे, तो इस दिवाली तक सब जन करोड़पति हो जाएंगे, सब जन फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाएंगे। तो मैं इतना ही बोलूंगा, प्लीज सपोर्ट एलेक्स, प्लीज सपोर्ट रॉनी, प्लीज सपोर्ट मिस्टर राजेंद्र उपाध्याय। थैंक यू एवरीवन। अभी हम मीटिंग को वाइंड अप करते, उसके पहले मैं सबको बोलूंगी अनम्यूट करने के लिए। गुड नाइट सर। वी अनम्यूट। गुड नाइट। थैंक यू जनाब। गुड नाइट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।